पचास पैसे का एक है, दस दे दो भैया। बोनी किया ना भैया, एक और दो ना। जय बजरंगबली। रुपए का एक है भैया। भैया तुमने कितने का दिया? पचास पैसे का। अरे वो पचास पैसे कह रहा है और तुम एक रुपए का। देखने जाएंगे तो पच्चीस पैसे का भी मिलेगा। आखिरी दस बचे हैं, लेना है तो ले लो, नहीं तो हट जाओ भैया। आखिरी दस है। अरे नींबू ले लो, नींबू ले लो। मेरी वाइफ कहती है कि अच्छी सब्जियां नहीं लाता मैं, बढ़िया बढ़िया छांट के देना। लीजिए भैया, सारे अच्छे है। मुझे और नींबू चाहिए। एक रुपए का एक नींबू, ठीक है। नींबू नींबू ले लो, नींबू नींबू ले लो, नींबू ताजे ताजे नींबू ले लो, नींबू नींबू ले लो। अभी ये क्या करने वाला है? अरे कश्मीर के नींबू है, कश्मीर के नींबू है, ले लो ताजा ताजा नींबू, ले लो भैया, कश्मीर के नींबू बड़े ताजे नींबू है, ले लो। पर ये तो देसी नींबू लग रहे हैं। अरे काट कर देखिए, कश्मीर दिखेगा। कैसे दिए? डेढ़ रुपए का एक है। बात है भैया, आज तो धंधा अच्छा हुआ लगता है। कौन है यार तू? दिखने में तो यहाँ नया लगता है, तेरा नाम क्या है? रवि। रवि, ये किसने रखा? मैंने ही, व्यापारी हूँ ना। पाँच रुपए से तूने कितने फायदे कमाए और कितने झूठ बोले। धंधा ऐसे ही तो किया जाता है ना भैया, दिन में दस बातें हम करते जिसमें छह झूठ और चार सच होते हैं, सच कहा ना। ऐसे ही छोड़ दिया तो यहाँ की दुकानें भी खरीद लेगा ऐसा लगता है। दुकान मैं लेकर क्या करूँगा भैया? तो मैं तो सारी मार्केट खरीदूंगा भैया। इस मार्केट को खरीदेगा? तू जानता है मार्केट किसकी है? केशव साहब जी की है, वही इस मार्केट का चेयरमैन है। साहब जी कितने दयालु हैं। साहब जी को अपनी तारीफ पसंद नहीं। सामान बिकने तक लोग धूप और बारिश से बचे, इसीलिए उन्होंने मार्केट में विश्रांति भवन बनाए हैं। इतना ही नहीं बल्कि जो भी किसान यहाँ पे सामान बेचने आए हैं उन्हें मुफ्त में खाना भी खिलाते हैं। चाचा जी मुझे भी खिलाइए। तो मेरा जूठा है। अरे दीजिए भी। बहुत अच्छा है। हे भगवान, मैं ये देखने आया हूँ कि मैं जो खाना देता हूँ अच्छा है या नहीं। सब कुछ आप देख रहे हैं तो अच्छा होगा साहब। सुनो, किसानों को ऐसा ही खाना मिलना चाहिए, अगर कमी हुई तो। ऐसा नहीं होगा साहब जी, सब ठीक ठाक होगा। देखा कितने अच्छे इंसान है, ऐसे बड़े आदमी के चेयरमैन होते हुए इस मार्केट को अपना बनाने की सोचना गलत है। गलत नहीं है। अरे नींबू ले लो, नींबू ले लो, ताजा ताजा नींबू ले लो, ले लो, ले लो, नींबू ले लो। अबे अंधा है क्या? तेरी तो क्या बोला बे, तो मेरी भरपाई कौन करेगा? कैसे भी पूछने की? अरे तुझसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? क्या हो गया तुझे? आप क्यों कष्ट कर रहे हैं साहब जी, हम लोग संभाल लेंगे। मार्केट में छोटी सी भी गलती साहब जी बर्दाश्त नहीं करते। सॉरी बोल भाई, उसने मारा मुझे। साहब जी यहाँ पर सारे लोग व्यापारी है ना, नुकसान होगा तो ऐसे छोड़ेंगे क्या? नुकसान की भरपाई के लिए पूछा तो इसने हाथ उठाया, इसलिए मैंने मारा। कौन है बच्चा? बहुत होशियार लगता है। सुनो साहब जी, पैसे देना। कितना नुकसान हुआ बेटा? 500 रुपए साहब जी। 500 रुपए दो। आप देवता है साहब जी, बहुत होशियार लगते हो, बहुत बड़े व्यापारी बनोगे। गाड़ी निकाल। नींबू ले लो, नींबू ले लो, ताजा ताजा नींबू ले लो, ले लो। हिम्मत कैसे भी मारने की? साहब जी, साहब जी छोटे से लड़के को मार रहा। चलिए ना साहब जी, देखिए ना साहब जी। मुझे इस मार्केट से निकालना किसी के भी बस की बात नहीं है। साहब जी मैंने सुना है इस मार्केट में आपने सबका भला किया है, लेकिन यहाँ मैं धंधा नहीं कर पा रहा हूँ।
आप ही कुछ कीजिए ना साहब जी। कल से इसे अपने मार्केट में धंधा करने दो। साहब जी मुझे सब्जी बेचनी पसंद नहीं है। तो फिर मिर्ची बेचना चाहता हूँ। ठीक है। बोतल दे बे। नुकसान होगा तो ये रवि छोड़ेगा नहीं, समझा? दिन का यही झगड़ा बचपन से, मार्केट इसी का ऐसा समझ रखा। समझना क्या है, मार्केट मेरा ही है। देखा इसका घमंड, अभी के अभी इसे बाहर निकाल दो। हाँ निकाल दो, नहीं तो क्या साहब जी, जिस मार्केट में काम करते हो उसके बारे में सोचना गलत है क्या? यहाँ होने वाला धंधा हाईवे के पास हो रहा है, इससे मार्केट को कितना नुकसान होता है। मेरे जैसे व्यापारी और कितने किसानों को इससे नुकसान होता है। कौन कर रहा है पूछा तो मारने के लिए आदमी को भेज दिया। कुछ गलत होता तो आपका नाम खराब होता, इसलिए मार दिया। हाँ साहब जी, रवि ने जो किया सही किया। हाँ रवि ने जानबूझकर झगड़ा नहीं किया। ए, रुक जाओ, इसने जो भी कहा सही कहा। इस मार्केट के अच्छे नाम के लिए मेरी जितनी जरूरत है, इसे बेचने के लिए किसी और का होना भी उतना ही जरूरी है। ये वही है। ए, साहब जी तूने जो किया वही सही है, अब से इस मार्केट की जिम्मेदारी तुम्हारी है। चलो हंसता है तू तो गया बेटे, धीरे से मारना दादा, ढाबे के चक्कर में करके अंडे ना फोड़ देना। चाइनीज फ्रॉम जर्मनी चौक टू चाइना, वो शक्ल से देखो चूसता ये बेरम, वैसे दमुंदा ना तो पंदेरम,
अंडा धंडा मिर्ची कन्ना होटू ने पचे प्रेम घाटू पोरे तो कटेगा मीलो ने गिंत चोटो सबसे बड़ा मिर्ची मार्केट है, उसे शहर से यहाँ शिफ्ट कर दीजिए और वो जगह हमें दे दीजिए। जनता और किसान दोनों परेशान नहीं होंगे क्या? लेकिन हम तो सुखी रहेंगे ना। कितना दोगे? पता है MLA बनने के लिए कितना खर्च होता है? 100 करोड़। ठीक है, शिफ्ट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है वो केशव। इससे पहले भी कई MLA से समझाया लेकिन वो केशव समझा ही नहीं। समझेगा, समझना ही पड़ेगा उसे। समझेगा तो 10% दूंगा वरना अपनी ताकत दिखाऊंगा, क्योंकि उसे चेयरमैन बनाने की ताकत MLA होने के नाते सिर्फ मेरे पास है। मार्केट जरूर शिफ्ट होके रहेगा। नमस्ते 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 मालिक नमस्ते। ए, क्या बात है, तैयारी बहुत अच्छे से की है। कालिदास नहीं है? अरे हाँ, वो आ रहा है। अच्छा, मेम साहब कितना वक्त लगेगा? मेम साहब शॉप की ओपनिंग के लिए जाना, जरा जल्दी कीजिए। धुआं नहीं दू क्या? पहले जाकर उसे बोलो, पता नहीं कितनी परिक्रमा करेगी। अरे बाप रे बाप, मेम साहब और कितना घूमोगी? मेम साहब आप तो जल्दी कीजिए ना, मेम साहब टाइम निकला जा रहा है। अरे रे रे रे, छोटी मेम साहब का नहाना हुआ नहीं हुआ पता लगा कर आना। छोटी मेम साहब नहाना हुआ कि नहीं, जल्दी आइए मेम साहब, टाइम निकला जा रहा है। संडे है, पानी की एक बूंद भी सैंडी पर नहीं गिरेगी। क्या बात है, पानी की आवाज भी नहीं। आ रही हूँ, नहा तो लूं। बाप रे, आखिर नहाना शुरू तो हुआ। मेम साहब जरा जल्दी कीजिए। संडे के दिन कोई नहाता है क्या? नहाता है क्या? नहाता है क्या? बोलो। क्यों नहाई नहीं ना? आपको पता चल गया? अरे वो बात अरे नहीं दादी है। माँ, क्लीन रहना इम्पोर्टेंट नहीं, नीट रहना इम्पोर्टेंट है। मैं गंदी लड़की नहीं हूँ। संध्या जल्दी तैयार होकर आना बेटा। मेरा नाम संध्या नहीं है। तुझे क्या हो गया? ये कैसा नाम है मेम साहब? आज या कल मैं शादी करके मैं अमेरिका में सेटल होने वाली हूँ, तो सैंडी की बजाय पुरानी फिल्मों की हीरोइनों की तरह कोई संध्या कहकर बुलाएगा तो अच्छा लगेगा क्या? इन सारी बातों में बहुत आगे है, लेकिन शुभ कार्य के लिए जाते वक्त नहाने की अकल नहीं है। संडे को भला कौन सा बेवकूफ इनॉग्रेशन कर रहा है? तू क्या देख रहा है?
बच्ची बड़ी हो गई है ना भैया, रुको आता हूँ। गंद कह चुप रहो। ए दादी माँ आई, इनका नाम क्या है? संध्या। सनी, कॉल मी सनी। ए जरा कुछ लाओ भाई, दादी आ रही हैं। कौन है ये, बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा? आज खुलने वाली दुकान का मालिक है वो। ए सुनो, संडे के अलावा और कोई दिन नहीं मिला ओपनिंग के लिए? आपके पिताजी नहीं कहा है? आओ चलो। मैं नहीं जाऊंगी। अरे चलो यहाँ बैठो। अरे क्या कर रही हो? माँ क्या है? आओ माँ। दादी माँ रुकिए जरा। दादी माँ हमेशा हर शॉप का दिया आप ही जलाती हैं, लक्ष्मी जैसे लगती हैं, इस बार इन्हें जलाने दीजिए। अरे नहीं बेटा, तुम इसके बारे में नहीं जानते हो, ये ना बिल्कुल। दादी माँ इतना परेशान क्यों हो रही हैं? अरे नहीं, मेरी बात तो सुन बेटा। चले। अरे उस बेचारे के अच्छे काम को क्यों बिगाड़ रही है तू? उसने खुद बुलाया है, आप क्यों परेशान हैं? मेरी बात तो सुन। अब क्या कर सकते हैं, अपने हाथों से अपने पैर की कुल्हाड़ी मार। मार्केट में कब्जा करने के लिए अच्छा रास्ता अपनाए रे रवि। मर गया, इसकी भैंस तो गई पानी में। मैडम स्माइल प्लीज। अरे देखो तो जरा। हाय हाय। अरे क्या हुआ? देखो शॉप ओपनिंग के लिए आई और तुमने मेरी ही फोटो मेरे कॉलेज के सामने लगा दी। सुनिए, यहीं पर नहीं बल्कि शहर में हर जगह 18 सेंटर्स में। क्या 18 सेंटर्स में? आप रे, मेरी इज्जत की तो वाट लगा दी। लगानी ही थी तो अच्छी सी फोटो लगा देते और फोटो के साथ साथ बेहुदा सी कविता भी लिख दी। सुनिए, किसी को भी गाली दीजिए पर उसकी कविता को कुछ मत कहिए। हमारे बेचारे भाई साहब ने रात रात भर जाकर ये सब लिखा है, कितना बुरा लग रहा है इनको। कविता पसंद नहीं आई क्या बेबी? इस बार हाफ पी के जबरदस्त लिखूंगा। अगली बार आप भी एक अच्छी सी स्माइल दीजिएगा वरना हंगामा कर दूंगा, समझ गई? तुम पागल हो क्या? जरा ये पकड़िए। ये क्या है? मैंने दिया जलाया इसीलिए? अरे नहीं, 6 हफ्ते में होने वाला काम 6 घंटे में हो गया। सभी साथ का कमाल है, लाइए मुझे दीजिए। इस 1000 रुपए से काम शुरू करके कल 1,00,000 रुपए नहीं कमाया ना, कल से आपसे नहीं मिलूंगा। क्या वो कमा लेगा? अभी भी क्या सोच रहे हो यार, मार्केट शिफ्टिंग के लिए 10% के बजाय 20% दे रहा है, फिर भी नहीं मान रहे हो। ठीक है ये पियो, बढ़िया माल है यार, बाहर से मंगवाया है। अब क्या सोच रहे हो? जानते हो ना साहब जी पीते नहीं है। हम भी जानते हैं यार, बोलो कि मार्केट शिफ्टिंग के लिए कुछ सोचा है? एमएलए साहब चाहे कितना भी फड़फड़ा लो, मार्केट यहां से शिफ्ट नहीं होगा। देखो केशव, हाथ आया हुआ मौका गवाया नहीं जाता है, तुम्हारे नहीं मानने से कुछ नहीं होगा। आखिर कितने दिन तक राज करोगे तुम? नया आदमी आएगा, मैं उसे खुद अपॉइंट करूंगा। मैं बदल दूंगा, तब क्या करोगे तुम? बोलो क्या कर लोगे तुम? मार्केट की शिफ्टिंग के लिए एमएलए जी अपने केशव जी को बदल देंगे ऐसा कह रहे हैं, दिखा दो अपनी ताकत। अपनी गाड़ी है, इसका इंश्योरेंस भी नहीं है। अरे ये क्या? ये मार्केट हमारी जान है, हमारे साहब जी की जान है, और तुमने हमारे साहब जी की बात नहीं मानी तो ए, क्या कर रहा है? ये माचिस की तिले मुझे क्यों दी? ये आत्मदाह कर लेंगे, हम सब आत्मदाह कर लेंगे। क्या हो रहा है? हमारे साहब जी की जगह कोई और आया ना तो तू भी ऐसे चलेगा। तुम्हारा नाम क्या है? संजय है सर। तुम्हारे कुछ सपने हैं? नहीं सर। तेरे की सपने तो होने चाहिए, मेरा भी एक सपना था। सुनोगे तो सुनो, अपना जो एमएलए है ना, जानते हो क्या कह रहा है?
अपने इस मार्केट को इस तरफ शिफ्ट करने के लिए 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपया देगा। ये तो गलत है साहब। ना गलत बात। हाँ। मेरा सपना क्या है जानते हो? इस 100 करोड़ की जमीन वाले मार्केट को इस तरफ शिफ्ट किया, समझो उसके आस पास की 200 एकड़ जमीन सारी मेरी हो जाएगी। अगर इतना अच्छा सपना देख रहा हूँ तो तुम्हारी 10 एकड़ जमीन बहुत अड़चन डाल रही है। साहब आप तो हमारे भगवान जैसे हैं। तुम सब ऐसा सोचते हो इसलिए तुम सब मुझे ऐसा ही समझो। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कैसा नाटक करता हूँ जानते हो? तो सुनो, सुबह गली से निकलकर मार्केट पहुंचने तक नमस्ते कर करके हाथ दुख जाते हैं। जंग पकड़े हुए ब्लेड से जब वो दाढ़ी बनाता है तो कहीं लग ना जाए इसका डर लगा रहता है, और कभी कभी उनका जूठा खाना भी खाना पड़ता है। अगर उल्टी सी लगती है तो छुप के उसे थूकना भी पड़ता है। अगर बोतल उठाता हूँ तो उसे एक ही सांस में पी जाता हूँ, लेकिन दारू पिया ये किसी को पता ना चले इसलिए वही हंसी वही नाटक। इस तरह सुबह से लेकर रात तक नाटक कर करके घर जाता हूँ तो नींद नहीं आती। कैसे सोने पर नींद आती है जानते हो? सब कुछ खोलकर बताऊंगा तो इज्जत चली जाएगी, लेकिन अगर मेरी सच्चाई के बारे में किसी को पता चल जाता है तो समझो उसकी तो क्या। ऐसे ही मार दिया कितनों को। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक, अपनी जमीन मुझे देकर मर जाओ, वरना तुम्हें मार कर वो जमीन मैं ले लूंगा। सब जी मुझे छोड़ दीजिए। अरे पागल मेरी सच्चाई के बारे में जानने वाला मेरे अलावा वो भगवान ही हो सकता है और कोई भी नहीं हो सकता। भैया भैया अब हम जहां चाहेंगे मार्केट वहीं शिफ्ट होगा। हैं? क्या सोच रहे हो उसे मेले के बारे में? नहीं भैया, उस रवि के बारे में। हमारे रास्ते का काटा जनता या वो एमएलए नहीं बल्कि वो रवि है। अगर वो रवि ही है तो अब नेक्स्ट उसी की जान जाएगी। वाड़ी ఏం చదువుతున్నావు పాపా? నీకు చెప్తే అర్థమవుతుందా? मैं आपको बुला रहा हूँ और आप ध्यान भी नहीं दे रही। क्या हुआ, 1000 को लाख में बदल दिया तो ला दो उन्हीं रुपयों को करोड़ में बदल देना। ऐसे हर दिन 1000 लाख देने के बदले आप अपना हाथ ही मुझे क्यों नहीं दे देती? मेरी तो लाइफ बन जाएगी। क्या बकवास करने जा रहे हो तुम? वो क्या है? अरे चुप कर, पढ़ी लिखी है इतना भी नहीं समझेगी क्या? क्या है, लव है क्या? समझ गई भैया। जैसी लड़की से तुम प्यार करते हो बाहर बोलोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन तुम जैसा लड़का मुझसे प्यार करता है मैं बाहर नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती हो? क्या कमी है? हमारा रवि मर्द नहीं है क्या? अरे मेरी प्रॉब्लम वो नहीं है, मैं किसी इंजीनियर से शादी करके अमेरिका में सेटल होना चाहती हूँ। मेरे सपनों पर पानी मत फेरो। संध्या बेटी, हमारे सपनों पर पानी मत फेरो। रवि चुप रहो, चाहे जो भी शेयर हो पैसा कमाना है ना, मैं भी कमाता हूँ, मार्केट में 4 दुकान है मेरी। यही यही है मेरी प्रॉब्लम, उस गंदे मार्केट से, उस मिर्ची से, उन मसालों से और इस वाइट से मुझे चिढ़ है। एक बात समझ लो, मेरा और तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो। ठीक है जाओ जाओ। प्रॉमिस? इसके लिए तो हाथ उठ सकता है ना। जा। क्या बात है, चलो मुझे छुटकारा तो मिला। अरे रवि इसको क्या हो गया? हाँ भैया,
ये दिल का सौदा है, अब इतना तो करना ही पड़ेगा। सुनिए किसान भाइयों, सुनिए किसान भाइयों, वार्निंग देने के बावजूद तू फिर से आ गया। यहाँ से निकलना ही हमारे लिए अच्छा होगा। मार्केट कितनी गर्म है जानता है ना? हाँ हाँ जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए सोच समझ करके फैसला करके यहाँ पे आया हूँ, समझा कि नहीं? क्या बोल रहा है ये? अभी के हमारे चेयरमैन हैं। तुम देखना ये MLA मेरा ही नाम लेगा। रवि किसका नाम ले लिया, इससे बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। देखा, तुम्हें लगा था कि तुमसे टक्कर लेने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया ना आगे। हमारे मार्केट में आकर हमारे चेयरमैन को ही बदलने की हिम्मत है तुझमें? अब तेरे एरिया में आकर मैं बोल रहा हूँ, मार्केट कहीं नहीं जाएगी, वहीं रहेगी। वैसे भी केशव जी जैसे अच्छे इंसान के आगे टिकना तेरे बस की बात नहीं, उनका सामना करने के लिए एक अच्छे इंसान की जरूरत है, और वैसा धरती पर सिर्फ एक आदमी है। थोड़ा रेट ज्यादा भी होगा तो पहले उसे खरीद लेना। कौन है? अरे कौन है बताना, कौन उसका सामना कर सकता है? उसे जितने रुपए चाहिए मैं ला करके उसे दूंगा, बताना कौन है वो? मैं हूँ। साहब जी, 12 साल की उम्र में जब मैं पहली बार इस मार्केट में आया तो आपने कहा कि तू तो मिर्ची जितना भी नहीं है, चल जाए यहाँ से। तभी सोच लिया था एक दिन ये सारा मार्केट मेरा होगा। अब ये मौका मिला है, आपका आशीर्वाद चाहिए। देखिए, रवि को चेयरमैन के लिए नियुक्त किया है, अब आप लोग बैठकर फैसला कर लीजिए, मैं तो चलता हूँ भाई। अरे सुनो, रुको रुको, 25 साल से मैंने जनता की सेवा की है, ठीक है, इस लड़के को भी चांस। भैया, इसमें आप जितना क्या तजुर्बा तो होना चाहिए। क्या कहा, तजुर्बा? तजुर्बा भी चाहिए? नहीं होगा तो कैसे चलेगा? 6 एकड़ के यार्ड को 60 एकड़ में बदल दिया, इतने बड़े यार्ड को संभालने के लिए तजुर्बा चाहिए कि नहीं? तजुर्बे की क्या बात है साहब जी, पहली बार जब आप चेयरमैन बने थे तो आप भी रवि की उम्र के ही थे। कितनी अच्छी बात कही, कितनी अच्छी बात कही, सुना? जब मैं चेयरमैन बना था तो मैं भी इतना ही था, मुझे तजुर्बा मिला ना, इसे भी मिल जाएगा, इसे भी मिल जाएगा। मुझ जैसा अच्छा चेयरमैन क्या चाहेगा बताओ? सबका भला हो यही चाहेगा ना, और क्या? साहब जी, आपने तो कहा था रवि के होते हुए मार्केट का कभी बुरा नहीं होगा। करेक्ट, और क्या चाहिए मुझे? तुम लोग नहीं जानते हो, सारी सारी रात मुझे नींद नहीं आती है। हनुमान जी से प्रार्थना किया था, ये देखो दिखा दिया। रवि ही हमारा अगला चेयरमैन बनेगा, क्या कहते हो? है ना रवि, हमारा अगला चेयरमैन? మార్కెట్ కి చెడు జరగదని మీరే చెప్పారు కదయ్యా. అనుభవం ఏముందయ్యా, మొదటిసారి మీరు చైర్మన్ అయినప్పుడు మీది కూడా సుమారు 8 వయసే కదయ్యా. तजुर्बे की क्या बात है साहब जी, पहली बार जब आप चेयरमैन बने थे तो आप भी रवि की उम्र के ही थे। उसे जितने रुपए चाहिए मैं लाकर दे सकूंगा, बताना कौन है वो? पागल हो गए हो क्या तुम? बताओ,
तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने उस किसान को चेयरमैन बना दिया? ये मार्केट मेरा है। ये मार्केट कैसे छूटेगा मैं बताता हूँ। तू मुझे इस मार्केट के लिए पैसे देगा। तुझे ये भी पता है कि इसकी सजा क्या है। तूने ऐसा काम क्यों किया? अब तू ही इसे मार्केट से बाहर निकालेगा, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मुझे माफ कर दो, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मार्केट को जहाँ कहोगे वहाँ शिफ्ट कर दूंगा। जरा मेरी बात सुनो, तुम्हारी एक बेटी है और मेरा एक बेटा है, उन दोनों की शादी करवा देते हैं, हम दोनों हाथ मिला लेते हैं। तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। ए, मेरा दूसरा अवतार देखकर जिंदा यहाँ से बाहर जाने वाला तू पहला इंसान है। ये ले पाउडर लगा ले। ये देख, इसी मुंह से उसे चेयरमैन कहा था ना, अब इसी मुंह से बोलोगे वो चेयरमैन नहीं बनेगा, बोलोगे ना? देखो रवि, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हें चेयरमैन बनाने के लिए हाई कमान नहीं मान रहे हैं। क्या कह रहे हो? वैसी बात नहीं है, तुम बच्चे हो, तुम्हारे पास तजुर्बा नहीं है, वो ये कह रहे हैं। अच्छा एक काम करो, किसी पार्टी में चले जाओ, थोड़ा आगे बढ़ो, उसके बाद मैं संभाल लूंगा। तुम्हें चेयरमैन बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी। कल चेयरमैन साहब के स्वीकार करने के बाद भी ये लोग रवि को चेयरमैन नहीं बना रहे हैं। आज आप कुछ बोल नहीं रहे, आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर रवि को चेयरमैन नहीं बनाया गया तो हम सब अपनी जान दे देंगे। मेरी बात सुनो ना साहब जी, देखिए ना यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ना साहब जी यहाँ पे कितना अन्याय हो रहा है। आपने चेयरमैन बनाने का वादा किया था, ये लोग मुकर रहे हैं। क्या कहा? दिए हुए वादे से मुकर रहे हैं, इसलिए कहते हैं आपके राजनेता दोगले होते हैं। अब असल में इधर रवि चेयरमैन नहीं बनेगा तो और कौन बनेगा? यहाँ पे और कोई है ऐसा? और कोई नहीं, आप। मैं? सचमुच मैं? और कौन, पार्टी ने यही फैसला किया है, अब हम क्या कर सकते हैं बताओ। गलत है, मैंने पहले ही कहा था मुझे छोड़ दो, वापस मुझे क्यों खींच रहे हो? अरे ऐसी बात नहीं है। देखिए रवि की तरफ, छोटा सा बच्चा है, चेयरमैन बनने के लिए दिन रात कितने सपने देखे होंगे। साहब जी मुझे अपनी बात पूरी करने दो, अब आप कैसे कह सकते हैं कि चेयरमैन नहीं बनेगा? मैं तो सब कुछ देख चुका हूँ, मुझे इसका अफसोस नहीं होगा, लेकिन इस बेचारे का क्या होगा? ये सरासर गलत है। गलत कैसे होगा, आपके अलावा किसी और को रखना गलत होगा, सारी जनता भी यही चाहती है, क्यों भाई लोग, सही है ना? वो तो इन सब का प्यार है मेरे लिए। तो मैं हट जाता हूँ, मैं हट जाता हूँ। रवि भैया चुप रहो, हमें एक दिन में ऐसा लग रहा है तो 20 साल से पदवी पर रहने वाले इन्हें हटाएंगे तो इन्हें कितना बुरा लगेगा। ये बात नहीं है बेटा, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। वैसे भी हमारे साहब जी चेयरमैन बन जाएंगे तो हम सब खुश होंगे ना? आप खुश होंगे? हाँ खुश होंगे। आप भी खुश होंगे ना? हाँ बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, मेरी बात तो सुन ले। क्या केशव जी, अब रवि ने बोल दिया फिर भी आप जिद कर रहे हैं। मान जाइए ना केशव जी, मान जाइए ना। सब मुझे इतना क्यों चाहते हैं? थैंक यू बेटा, थैंक यू। रुकिए साहब जी, मैं 10 साल से धंधा कर रहा हूँ, बिना फायदे के एक दिन भी नहीं निकाला, और आज का दिन मेरे जिंदगी का बिना फायदे वाला पहला दिन, और ये ओहदा छोड़ने के बाद आपका फायदा होगा, मार्केट का फायदा होगा, लेकिन मेरा तो क्यों ना आप मेरा भी फायदा करवा दीजिए, आज का दिन अच्छा रहेगा। क्या चाहिए रवि, 10 लाख चाहिए या 10 शॉप चाहिए? मैं बंदोबस्त करवा दूंगा। शॉप वॉप में क्या करूंगा सर, उनकी बेटी से मेरी शादी करवा दीजिए। अरे रवि तुमने ये क्या मांग लिया? अरे मामा ऐसा क्यों पूछ रहे हो? यही बात अगर मैं चेयरमैन के ओहदे पर बैठकर मांगता तो यहाँ सब लोग मान जाते, क्यों है ना? अब समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? फिर भी अगर आप लोग नहीं चाहते कि मैं इनकी बेटी से शादी करूं तो मैं पिछड़ जाता हूँ, मैं इनके बीच में नहीं आऊंगा। साहब जी रवि अच्छा इंसान है और हिम्मत वाला भी, लेकिन ये आपकी बेटी का मामला है इसीलिए आपको ही फैसला करना। द
दादी माँ, कल तक तो कह रहे थे अमेरिका का लड़का है और अब कह रहे हैं कि लड़का बदल गया है। वो कौन है, कैसा हाँ। है मुझे तो बताओ। अरे पागल लड़की, मैं क्या बताऊँ, सारे शहर में उसी के तो पोस्टर लगे हैं। दस बातें करता हूँ, उसमें से छह झूठ चार सच होते हैं। संध्या बेटी ऐसा ही है, आगे सब कुछ पता चल जाएगा। केशव जी जरा यहाँ पे आ जाइए। ओम सत्यनारायण रोद्र स्वाहा, स्वसिना कोका विश्ववेदा, स्वसिनस्ताक्षरो वरिष्ठनेमि, स्वसिनो बृहस्पति दधा। जरा वर के माता पिता आ जाए। अरे पंडित जी, अपना कोई नहीं है। क्या पिता जैसे एक आदमी है तो जो भी है उन्हें बुलाओ ना। भैया वो नहीं जी, इतने दिनों से सिर्फ मैं पार्टनर था, फादर भी बना दिया। रोना बंद करो और उठाओ इसे। अरे अब चुप हो जाओ। ले लो। मार्केट के लिए बेटी को खो दिया, अब हम लोग इससे कैसे निकलेंगे। सबके सामने जुबान दी थी इसलिए फंस गया। नो नो, ये शादी नहीं हो सकती। मुझे मार्केट भी चाहिए और मेरी बेटी भी चाहिए। रवि मार्केट जीत लूंगा कह के उनकी बेटी को पा लिया, इस लड़की के लिए मार्केट को छोड़ देगा। तुम नहीं समझ रहे भैया, मुझे मार्केट भी चाहिए और लड़की भी चाहिए, लेकिन फिलहाल ससुर जी एक ग्रुप फोटो हो जाए। जरा ये कविता तो पढ़ो यार। सैंडी रैकेट में संध्या मेरी दुकान में आई, मेरी नजर को भाई अपनी अदा से घायल किया, मुझसे प्यार जताया और मेरी जिंदगी में आई। क्या उसने फिर से पोस्टर लगा दिया? लगा दिया, मेरी इज्जत की तो फाट लगा रहा है। बाप रे, पोस्टर लगाया तो यहीं कहीं होगा वो। नो नो नो। हेलो, कैसी हो होने वाली बीवी? संध्या बेटी, संध्या बेटी, इस बार भी कविता पसंद नहीं आई क्या? ओए, मैं कब से तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ और तुम अपना चेहरा मुझसे छिपा रही हो? कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं? हाँ, तुम जैसे लड़की से प्यार करती हो ऐसा बोलना मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा था ना मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ, ये बात सारे शहर में बताना जरूरी था क्या? अच्छे से प्लान बनाकर मेरे पापा को पटाया तुमने। कैसे पटाया? जरा इधर आइए, इसे लेकर जाइए। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। वैसे भी तेरा बाप क्या कोई लड़की है जो उसे पटाऊं? मैं अपने पापा जैसी नहीं हूँ, इसलिए पसंद आ गई। क्यों दामाद जी, बिटिया को देखने आए थे। आओ आओ बैठ जाओ। इधर आओ और बाइक पे बैठो। देखिए ना पापा। अब आप ही बताइए, एक दूसरे को जाने बिना ही एंगेजमेंट हो गई? शादी से पहले थोड़ा जानना जरूरी है ना, है कि नहीं? बेटी दामाद जी हैं, चले जाओ, नो प्रॉब्लम। चलो। अरे उन्हें बहुत काम है। बता तो दो कहाँ लेके जा रहे हो। वो हम आपको क्यों बताएं? क्या बात है रवि, होने वाली पत्नी को कॉलेज से घूमने लेकर जा रहे हो? ए, नहीं हटाओगी तो गाड़ी रुक जाएगी। हटाओ हटाओ। नहीं। चलो हटाओ इसे। मैंने कहा हटाओ। मान भी जा, जाने जा, यूं मुझसे दूर न जा। हे माना नब से मैंने ये हाथ है तेरा, हे साथ जन्म दूंगा मैं साथ अब तेरा, और उठ न मुझसे कोई यारा। इसे अपने पास रखो, ये काफी अच्छा होता है। Oh, 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 oh,
के वादा मेरा है तुझसे सपने पूरे करूंगा सपने साल पहले 32 लोगों को बेरहमी से मारा इसने, उनमें मेरा सारा परिवार भी था। इसी के लिए अपना गांव छोड़कर शहर में आया हूं मैं। ये मर चुका है सर। तुम जानते हो क्या, अगर वो मर गया है तो उसके परिवार का कोई ना कोई तो होगा, होगा ना? नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या हो गया तुझे, छोटे बड़ों का कुछ लिहाज है कि नहीं? सासू माँ आपको लगी तो कितना गुस्सा करती है। कुछ मत बोलिए, चुप रहिए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुझे क्या हो गया है बेटी? मेरा सपना था कि मेरा पति अमेरिका से होगा, लेकिन सारे सपनों में पानी फेर दिया आप लोगों ने। क्या हुआ, क्या हुआ? तो उसे बुलाती क्यों नहीं? बुलाओ उसे। अरे वो तो छोटा है, उसे छोड़ो। तुम बॉडी से इतने मोटे हो, तुम तो उसे समझा सकते हो। पहले तो इसे समझाइए, दोनों मिलकर टॉर्चर कर रहे हैं मुझे। ऐसे मत शर्माइए, ऐसे शर्माते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। ऐसा क्यों बोल रही संध्या बेटी, वो ऐसे भी एंगेजमेंट तो हो ही चुका है ना, ये सोच कर भी। अरे एंगेजमेंट हो गई है तो क्या हुआ, हमारा भी कुछ हक है। क्यों, कुछ भी नहीं कर सकते क्या? ये मेरा सवाल है। क्या करना चाहिए ये मेरा सवाल है। ऐसा पूछकर बहुत अच्छा किया। दादी माँ, आपके और दादाजी के एंगेजमेंट और शादी के बीच में कितना गैप था? 6-7 महीने का हुआ होगा। अरे बाप रे बाप, 6 महीने था। इस गैप में क्या किया आपने? क्या करेंगे, मैं मेरे घर में लंगड़ी खेल रही थी, वो क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता। क्या आप लोगों के बीच में प्यार नहीं हुआ? कैसे करेंगे, मैं मेरे गाँव में थी, वो अपने गाँव में थी। तो सीधे शादी के वक्त ही आपने उन्हें देखा? अरे मैंने कहाँ देखा, मैं तो सर झुका के खड़ी थी। मतलब फर्स्ट टाइम सुहागरात में ही? हाँ। सुहागरात क्या होती है, उस समय तो लाइट भी नहीं थी, कंदील में क्या दिखाई देता है, कैसे क्या हुआ कुछ नहीं पता। लाइफ में आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। क्या मिस कर दिया? क्या मिस कर दिया मैंने? दादी लोग कहते हैं कि जवानी में मजे नहीं किए तो फिर कुछ नहीं किया। सच में? हाँ। ए दादी, हाँ? वो आपको उल्लू बना रहा है। डिस्टर्ब करोगे तो मैं नहीं बताऊंगा। अरे तू अपना मुंह बंद कर, वो कुछ अच्छी बात बता रहा है, बताने दे उसे। तू बोल बेटा। एंगेजमेंट और शादी के बीच के गैप में क्या क्या प्लान कर सकते हैं पता है? क्या क्या प्लान कर सकते हैं? खाना, मिठाइयाँ, बाप रे पूरा का पूरा खाना। अरे मेरा बदन कांप रहा है रे बाबा, रे बाबा। अच्छा लगा ना? हाँ बहुत अच्छा लगा। तो फिर अपनी बेटी को भी समझाइए ना। चली जा बेटी। क्या हुआ, वो कहाँ ले जाने की बात कर रहा है जानते हैं? कहाँ लेकर जाऊंगा ससुर जी, मैं तिरुपति मंदिर जाना चाहता था, अब हर साल तो जाता हूँ, सोचा इस बार संध्या के साथ चला जाऊँ। दादी माँ चाहे तो आप भी चल सकती हैं। आऊंगी आऊंगी। दादी माँ जाएंगी तो मैं भी जाऊंगा। मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। ससुर जी संध्या को भेजेंगे तब ना। अब मंदिर ही जाना है ना, चली जाओ। वापस नहीं लौटना चाहिए। आए हुए सारे भक्तजनों से एक विनती है, सभी लोग अपने अपने चप्पल जूता मंदिर के बाहर निकालें। चोरों और पॉकेट मारों से सावधान रहें। कौन है भाई, क्या चाहिए तुम्हें? अपनी बकवास बंद करो, यहाँ हमारा बच्चा घूम गया है। बच्चा घूम गया है? हाँ। क्या नाम है उसका? देव बाबू। देव बाबू? हाँ। कब से दिखाई नहीं दे रहा है वो? हाँ? मतलब आगे वाले गेट से गायब हुआ या पीछे वाले गेट से? हमारे गाँव से। तुम्हारे गाँव से? कितने दिन हुए गायब हुए? 12 साल पहले। 12 साल से गायब है और अब तक तुम्हें मिल नहीं रहा है? नहीं मिल रहा है। वैसे किस गांव के हो? त्रिपुरा। तुम पागल हो क्या? दीवाना बोला बर्दाश्त कर लूंगा, पागल बोला ना तो नहीं बर्दाश्त करूंगा। सब में दीवानापन होता है, मुझ में भी बेहिसाब है, हम पागल दीवाने हैं। अपने माइक पे लग जा, लग जा। कोई निशानी है? ए फोटो दिखा। आए हुए सभी भक्तजनों से एक नम्र विनती है, त्रिपुरा गांव से 12 साल पहले एक बच्चा गायब हो गया है, उसका नाम है देव बाबू, उसके पिता राजेंद्र सिंह उसे ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। अगर किसी भक्त को बच्चा दिखाई दे तो कृपया मंदिर के कार्यालय में संपर्क करें।
सैंडी पापा। तो भाई ने इसी आदमी के बारे में बोला था ना? हे भगवान, उससे मेरा पीछा छूट जाए, उसका एक पैर या हाथ तोड़ दीजिए भगवान, हो सके तो एक आंख भी फोड़ देना। अरे ये क्या है, इतना कीमती वरदान मांग रही हो? आंख और पैर के बिना गृहस्थी कैसे चलेगी? भगवान जी, पागल लड़की है, गलती से वर मांग लिया, इस पर ध्यान मत देना। ध्यान देना भगवान। ध्यान मत देना भगवान। ध्यान देना भगवान। ध्यान मत देना भगवान। जाओ देव बाबू। देव बाबू इस तरह से मुंह छुपाया कहीं देव बाबू नहीं। देव बाबू। देव बाबू। हे क्या है, क्या चाहिए? आपका नाम देव बाबू तो नहीं? नहीं, मेरा नाम रवि है। हाँ, ये देव बाबू ही है। देव बाबू, सेम धागा सेम दाढ़ी, तुम देव बाबू हो? वो लड़की पागल है। राजेंद्र जी देव बाबू मिल गए। राजेंद्र जी, हमारे देव बाबू मिल गए। देव बाबू मिल गए, जल्दी आइए। देव बाबू मिल गए, जल्दी आइए। भाग रहे हो? भाग रहे हैं। राजेंद्र जी आइए मेरे साथ, जल्दी। चलो चलो सब सब बाहर, हंगामा हो रहा है सर। क्या कर सब भालो तुम भेजा। लगता है ये छोड़ेंगे नहीं। इतना गुस्सा क्यों कर रही हूँ? गुस्सा नहीं होगी तो क्या करेगी? शॉप ओपनिंग के लिए संडे, मंदिर जाने के लिए संडे, हर बात पे संडे। संडे के अलावा तुम्हें कोई दिन नहीं मिलता? संडे से क्या परेशानी? अरे संडे के दिन उसका नहाने का मन नहीं करता। दादी माँ क्या बताए? इसका मतलब ये संडे को? अरे संडे को नहीं नहाती। आप भी ना कुछ भी बोल देती है। ज्यादा मत बोल, ज्यादा बोलेगी ना तो सब लोगों को बस। ये लो खरीद लेना। थैंक यू सो मच। राजेंद्र जी वो जा रहा है। चलो यहाँ से। अरे वो कहाँ चला गया? हे गंदी लड़की चलो। ए, मुझे गंदी लड़की मत बोलना हो। अरे वो मिस हो गया सर। मिस नहीं होना चाहिए। आज मंदिर में कितने लोग आए और कहाँ कहाँ से आए, कितनों ने पूजा करवाई, उन सब का नाम पता एड्रेस मुझे सब कुछ चाहिए। अभी तक नहीं मिले, सारी बार मुझे ही पड़ी। सुन ये रख ले। हाँ।
हमारे साहब जी को ऐसी कैसी आदत लग गई हमारे बीच फिल्म देखने की? मेरे साहब को ऐसी कोई आदत नहीं, फिर भी वो यहाँ बैठकर सिनेमा देख रहे हैं। साहब, हमने तो मिर्ची मार्केट से उतना ही कमाया, उन्हें देखिए पाउडर लगाकर कितना कमा रहे हैं। थैंक यू। पाउडर लगा के एक्टिंग करना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, वो एक्टर ही जानता है। चुपचाप सिनेमा देख। अब क्या देख रहे हो? केशव और मैं अच्छे दोस्त बन चुके हैं, आप कैश शिफ्ट करो, मार्केट शिफ्ट हो जाएगी। एमएलए साहब, हम आप पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हम दोनों पार्टनर हैं, लेकिन ये बड़े लोग जनता जनता कहकर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कुछ नहीं करेगा, आपने डील के लिए मना लिया है ना। उन्हें क्या कहकर मनाना है ये मैं जानता हूँ, वो मैं देख लूंगा। अब क्या है, कल सुबह 10 बजे एमएलए जी उनसे चेयरमैन के प्रमाण स्वीकार कर लेंगे। हाँ। और फिर तुरंत काम शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। अब आप जाकर के एंजॉय कीजिए। ओके ओके। अरे सुनो, कैश कहाँ रखने जा रहे हैं? मारने के लिए या फिर रखने के लिए एक ही जगह है, कोल्ड स्टोरेज। ठीक है मेरा हिस्सा भी वहीं रखना। 100 करोड़ के लिए उससे अच्छी जगह कहाँ हो सकती है। सब खत्म हो गया, वो हीरो पकड़ा गया, अब इसके बाद क्या होगा साहब जी? मार्केट को मैं उड़ा दूंगा, वो रवि ट्रेडिंग कंपनी को बंद कर दूंगा उसको। अरे बाप रे, भागो यहाँ से। भैया, स्पीकर शोर क्यों मचा रहे हो, तुम्हारी परेशानी क्या है? मैं कौन हूँ? एक अच्छे व्यापारी हो। मैं तुम्हारा कौन हूँ? तुम मेरे पिता जैसे हो। तो फिर ये फोटो लेके जो ढूंढ रहा है वो कौन है? मेरे पिताजी हैं। जिंदगी में दोबारा जिससे नहीं मिलना चाहता था ये वही है। हमारा गांव था त्रिपुरा, हमारे गांव में सब पागल हैं, लेकिन मेरे पिताजी जितना पागल और कोई नहीं। छोड़िए ना, छोड़िए ना पापा, छोड़िए ना। अच्छा बेटा, आराम से जाना, घबराने की जरूरत नहीं, आराम से, धीरे-धीरे, आराम से आजा, आराम से, जल्दी, कोई बात नहीं। आ गया मेरा बेटा, मेरा बेटा भाग कर आया, ये सबसे आखिरी में पहुंचा। छे, तुम्हारे पिताजी ने ऐसा किया, बहुत बड़ा जुल्म किया। इससे भी ज्यादा जुल्म किया है मेरे भाई। और क्या किया? उस कालिये ने तो मुझे एक बार मारा, लेकिन मेरे पिताजी ने उसे कई बार मारा। रुक, तुझे आप तो मुझे मार देंगे भगवान के साथ, आपके लड़के को कभी नहीं मारूंगा, नहीं मारेगा और नहीं मारेगा। चल तेरे कान में एक बात कहता हूँ, वो जो पेड़ पर चढ़ रहा है ना, वो मैं नहीं हूँ, वो भी मैं नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ, ये देखो ये हूँ मैं। नहीं बेटा, आराम से, धीरे धीरे, देख देख मेरी बात सुन, नीचे आ जा, नीचे आ जा। तो फिर ऐसे क्यों पाला, कभी पूछा नहीं तुमने? पूछा मैंने उनसे कई बार। पापा, आप मुझे जीतते नहीं देख सकते क्या? आप मेरी परवरिश ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैं जरा पानी मिला लूं बेटा, फिर बताता हूँ। मेरे पिताजी क्या चाहते हैं मैं समझ गया, मैं कहीं मर ना जाऊं वो इससे डरते थे मेरे भाई। और ये कमबख्त जिंदगी, बिना जीत की जान लेकर मैं क्या करूंगा। उस दिन जम करके लॉरी में बैठ गया और उसने मुझे यहाँ छोड़ दिया। वैसे यहाँ मार्केट में सभी कमाना चाहते हैं, लेकिन कभी ना हारने वाला मैं सारे मार्केट को ही पाना चाहता था। मार्केट को पाना चाहकर आखिर एक लड़की को पा लिया। अरे मार्केट तो मैं कभी भी पा सकता हूँ, लेकिन उस लड़की को पाने के लिए कोई अच्छा सा आइडिया बताना। याद रखने के लिए एक घूट मुझे भी पिलाना चाहिए था ना, कभी नहीं भूलने के लिए एक दे दे। क्या? एक पप्पी। पप्पी? अरे यार नहीं। झुको झुको। हाँ झुको। क्यों? दीवार चढ़ना है। अरे अरे बाप रे। दरवाजा खुला था क्या? कान में चढ़ा, खुला था। अच्छा ठीक है, चलो ध्यान रखो कोई हमें देखना नहीं। अरे बाप रे। अरे ये कौन है? दादी माँ है। इसे तुम ही संभालो। ये मैं भी आता हूँ। हम्म।
लाइट नहीं है। कितनी प्यारी लग रही है। संडे को नहाती नहीं है। फ्राइडे आज तो नहीं होगी। रवि, दादी माँ के हाथ में फंस गया, बचा लेना यार, कहीं पिटा ना जाऊं। देखो यार, प्यार का वक्त है, डिस्टर्ब मत करो। पता है प्यार करने वाले इस वक्त क्या करते हैं? क्या करना चाहिए? फोन काट दे। भगवान ध्यान देना, ध्यान देना। नींद में कैसी शक्ल लगती है, जरा हंसो। अच्छी लग रही है। किया है या नहीं? नहीं किया है, मैंने किया है सच में। आपको शक है?
तो ठीक है मैं फिर से कर लेता हूं। क्या कर रहा है तू? देखा आपने क्या कह रहा है ये? ससुर जी आप फुल पी कर आए ना, हम दोनों ने हाफ लिया है। वो नहीं पीते, देख लीजिए कैसी बातें कर रहा है आपके बारे में। मैं कुछ भी कहूँ प्यार प्यार करता रहता है। मुझे कुछ भी बोलो लेकिन मेरे प्यार को कुछ बोला ना तो। अरे क्या कर रहे हो? तू प्यार की महानता जानती क्या? क्या महानता है? इस तरह आधी रात को आकर ऐसी हरकत करना, यही है तुम्हारी महानता? हाँ है, महानता है। उस दिन मार्केट या तुझे चुनने को कहा तो मार्केट छोड़कर तुझे चुना, लेकिन तेरा बाप जब मार्केट या बेटी को चुनने की बात आई उसने मार्केट चुना और तुझे छोड़ दिया। तू अपने बाप से बोलेगी तो क्या मैं डर जाऊंगा? क्यों ससुर जी, किसी के प्यार के बारे में बोलोगे तो गुस्सा नहीं आएगा? मुझे भी आया, मुझे बहुत बुरा लगा, मैं जा रहा हूँ। अरे उधर 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 क्या प्लान है ससुर जी? सीक्रेट है, ठीक है। देखा ना आपने कैसी बातें करके गया। आप क्या करोगे मैं नहीं जानती। वो ओहदा उसके मुंह पर मार कर ये एंगेजमेंट कैंसिल कर दीजिए। डिसाइड कर लीजिए मुझे चूज करना है या मार्केट को। तुम जाओ बेटी, मैं देख लूंगा, जाओ। सुनो बूढ़े आदमी, ये सब क्या है? तुम्हें वो अपना पिता कहता है ना, ऐसी परवरिश की है तुमने? के? अरे क्या बोल रही हो, एक थप्पड़ मारना तो मार लो लेकिन मेरी परवरिश के बारे में कुछ मत बोलना। मैं उसके पिता जैसा हूँ लेकिन जो त्रिपुरा में है ना, राजेंद्र सिंह, वो इसका बाप है। मैंने ऐसा नहीं सिखाया, मैंने ठीक से पाला पोसा उसको। मेरी परवरिश पे उंगली मत उठाना। अच्छा मिल गया रे, उस रवि का पिता नहीं है बोलकर मेरी बेटी से एंगेजमेंट की ना, अब उसके पिता के बारे में पता चलेगा तो मार्केट में सब लोग क्या कहेंगे, धोखेबाज। सुनिए आपके लिए भाई जी का फोन है। कैसे हैं भाई साहब? ये लीजिए आपके भाई साहब। मुझे एक आदमी चाहिए। मारना है क्या? जिंदा चाहिए। एड्रेस बताओ। त्रिपुरा में है। इधर आ रे, क्यों रे तू लंगड़ा है क्या? राजेंद्र का घर कहाँ है? अब मैं उससे बात नहीं करता, उसके बारे में मुझसे मत पूछ। चलो। राजेंद्र कहाँ रहता है? मैं वहाँ नहीं रहता, मुझे क्या पता। अबे तेरा घर कहाँ है? ए तू बता। राजेंद्र जी से मिलना है, तुम जानते हो उसे? तुझे पता है? मेरे घर के बाजू में ही है। तेरा घर कहाँ है? उतरो तो बताता हूँ। उतर गया, बता। मैं खुद ही मेरा घर नहीं जानता तो फिर मैं तुझे क्या बताऊंगा, बोल। अबे बताओ। मैं पी लेता हूँ तो अपना घर भूल जाता हूँ, तुझे क्या बताऊँ? तेरी तो मजाक करता है मुझसे। वैसे ही हमारे गांव का नाम खराब है और तुम लोग इस तरह से हाथापाई करोगे तो बाहर के लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हट जाओ यहाँ से। आपको क्या चाहिए? राजेंद्र का घर कहाँ है? कहाँ है? क्यों रहे हो? तुम सब लोग पागल हो क्या? दीवाना बोला तो चलेगा पर पागल बोला तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। क्यों? रायलसीमा वालों को गुस्सा आ सकता है, गोदावरी को लोग गुस्सा आ सकता है, तो हमारे गांव में दीवाने नहीं रह सकते? राजेंद्र का घर का पता बताएगा तो 1000 रुपए दूंगा। 677 दोगे तो बताऊंगा। अबे 1000 है। 677 दोगे तो बबताऊंगा। उधर जाओगे 10,000, इधर जाओगे 1,00,000, मैं 677। अरे छुट्टे लेकर आओ। राजेंद्र कहाँ रहता है मुझे बता। उसे मैं नहीं दिखा सकता है? उसकी आवाज सुना सकता हूँ। याद राजेंद्र जी बहुत अच्छा गाते हैं, जरा एक गाना और हो जाए। याद उसकी जब आए दिल में दर्द होता है, ये दारू मगर पी के। क्या चाहिए? पागल हो क्या? होता है हरि का नाम हरी,
सबका रखवाला हरि, शराब झूठ बोले नहीं, हमेशा ही बोले सही। फिर से चेयरमैन चुने जाने के लिए केशव जी की जय। केशव जी की जय। हेलो हेलो भाई, उसके बाप को पकड़ने आया तो अपने काम का आदमी मिल गया। फिल्म कैसी है? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? टिकट आसानी से मिल गई थी ना। मैं आपसे काम की बात कर रहा हूँ और आप पागलों जैसी बात कर रहे हैं। अरे सिनेमा देखते देखते की बातें कर रहा है? पूरा देखने के बाद बताओ। बताता हूँ। याद उसकी जब आए दिल में दर्द होता है, ये दाद मगर भी गए दर्द कम होता है। हरि का नाम हरि, सबका रखवाला हरि, शराबी झूठ बोले नहीं, हमेशा ही बोले सही। गन्ने के खेत में हर चल न बारिश है न हवा है, गन्ना का खेत हिल रहा है, अभी तो कटाई का मौसम भी नहीं है। बचा ले मुझे गोपाला, पुकारता हूँ तुझे गोपाला, बचा ले मुझे गोपाला, पुकारता हूँ तुझे गोपाला। आज अमावस नहीं है फिर क्यों तू आया है भूत बोल। मैं डरता नहीं भगवान मेरा साहस है, मैं डरता नहीं भगवान मेरा साहस है। तू कौन है बे? क्या पागलपन है तेरा? तेरा पागलपन क्या? वही वही मेरा पागलपन है। 20 साल पुरानी दुश्मनी है, मैं उसे मार डालूंगा। मेरा भी वही हाल है, 20 साल की दुश्मनी है तुझसे। वो मेरा दुश्मन है, वो मेरे पिता है। अभी तक जिंदा है। मेरे माँ की दी हुई जान उस दिन तूने मार कर निकाल ली, ये मेरे बाप की दी हुई जान है, जाएगी नहीं, बदला लेगी। मैं यहाँ काम से आया हूँ और मेरे इस काम में मेरे पिताजी दखल देंगे, इसलिए मैं उनसे दूर चला आया। अब तू यहाँ पर आकर हम दोनों को मिलाने की कोशिश मत कर। तो फिर मैं तुझे और तेरे बाप को एक साथ मार डालूंगा। तू कहाँ चला गया था बेटा? मैं बिल्कुल अकेला हो गया था।
अब मेरा बेटा लौट के आ गया है, लौट आया है मेरा बेटा। ओ गन्ने के मोटे पौधों, सिर्फ हिलने से कोई भूत नहीं बन जाता। तुमने मुझे काफी डराया ना, अब जरा हिल के बता तो मैं भी तुम्हें किक लगाऊं। ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, मेरी तरह बिल्कुल नहीं है, ये चले तो तूफान आ जाए चारों ओर। मर्द का बच्चा है ये, समझे? की दया से मेरा बेटा सालों के बाद लौट आया। ये सब क्या है? हम शंकर जी को नारियल चढ़ा रहे हैं। देव बाबू हमको मिल गए हैं ना, ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। जब मैं 10 साल पहले यहाँ से निकला था, लगा था बस पिताजी ही दुखी होंगे, पर यहाँ तो पूरा गांव ही मेरे आने की खुशियाँ मना रहा है। मैं इनके प्यार को कैसे चुका सकता हूँ? अपने पिता का कर्जा चुका के तुम्हें क्या लगा ये तुम्हारी खुशी में है? अरे नहीं भाई, ये सब तो कर्जा वसूल लिया है जो तुम्हारे बाप ने ले रखा है। तुमने अच्छे समय पर एंट्री की। इन्होंने लोन लिया हुआ था? लोन लिया हुआ था? अरे इन्होंने तो पूरे 10 लाख लिए थे। इसके ऊपर ब्याज भी तो पता कर लो। अरे भैया, जिस दिन से तुम खो गए थे उस दिन से इन्होंने कितना लोन लिया है तुम्हें पता है? अरे उसका ब्याज भी तो पता कर लो। बेटा जब से तुम गए हो तब से ये दिन रात दारू पी पी के नशे में खोए रहते हैं। तुम्हें पता है इनके ऊपर कितना कर्ज हो गया है? अरे उस पे भी तो कर्जा पता कर लो। बिना कुछ गिरवी रखे कर्जा दे दिया? तुम हो ना। मैं? इन्होंने क्या कहा था पता है? मेरा बेटा आएगा तो उसकी शादी तुम्हारी बेटी से कराऊंगा, इसके लिए 3 लाख रुपए लिए। ये बात तो इन्होंने मुझसे बोली थी। शक्ल की कसम, अरे बैठ जाओ खाना, सारा कर्जा चुका दूंगा। ए, तुम लोग अपना कर्जा और उस पर ब्याज बताओ कितना हुआ। देव बाबू सिर्फ मेरी बेटी के गले में मंगलसूत्र बांध देंगे। देखिए, मैं आपका दामाद बनने जितना महान कैरेक्टर नहीं हूँ। कैरेक्टर के लिए नहीं देव बाबू, कलर के लिए। हमारे सारे खानदान में इतना गोरा कोई भी नहीं है, और आपका कलर तो दूध की तरह सफेद है। हमारी फैमिली फोटो में अगर तुम रहोगे तो जरा सोचो। साले साहब, शादी की डेट फिक्स कर दो। चुप रहो, अब क्यों लेट करूंगा, 4 दिन में शादी करवा दूंगा। मुझे पसंद भी तो आनी चाहिए। कौन सी पसंद की बात है? सुनो सब लोग, तुम्हारे जो भी उधार है 4 दिन के अंदर ले लो। चुप रहो, बंद करो, बंद करो। अरे सुनो बेटे, अरे अपने ससुर का आशीर्वाद तो ले ले, आजा, क्योंकि शादी के बाद तुझे तो मेरे साथ ही रहना है। हमारा कलर नहीं है लेकिन हम करेक्टर वाले हैं। उसने मेरे करेक्टर पर हाथ डाला है, पकड़ो उसे। देव बेटा भाग ले यहाँ से, भाग ले, चल चल निकल जाएगा। अरे वो बच्चा है, मासूम है। चल खड़े रहो सब लोग, भाग जा बेटा, पास से भाग जा। देव तुम यहाँ क्यों आए? तुम इसके बेटे हो, अगर मुझे उस दिन पता चल गया होता तो तुम्हें उसी दिन में मार दिया था जिस दिन मिले थे। हे, कुछ जाने बिना मत बोला समझे, तुम मेरे पिताजी को। ए? फिर से 10 बताओगे, उनमें से 6-6 झूठ 4-4 सच होता है, तू क्या बोलेगा रे? यार अरे यार अरे यार, ठीक है इस बार सिर्फ एक ही सच बताऊंगा, पिताजी अच्छे इंसान है। तेरा बाप 32 लोगों को मारने वाला हत्यारा है। तुम क्या जानते हो मेरे बाप के बारे में? तू क्या जानता है? सब कुछ जानते हो, मैं यहाँ पे आया हूँ। पापा आप मुझे जीतते नहीं देख सकते क्या? आप मेरी परवरिश ऐसे क्यों कर रहे हैं? बेटा मैं जरा इसमें पानी मिला लूं फिर तुझे बताता हूँ। हैं? देव बेटा। पापा। देव बेटा।
देव बेटा, देव बेटा तुझे सब कुछ संभालना है। मेरे पिताजी की सच्चाई के बारे में जानना है तो पहले केशव की सच्चाई को जानना जरूरी है। मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ जानते हो? त्रिपुरा मार्केट में केशव और उसके भाई ने बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन उनके पास एक चीज नहीं थी, वह है सच्चाई। अपने भाई के पास धंधा सीखने के लिए केशव ने पहली बार मार्केट में कदम रखा था। मेरे पिताजी ने कभी पैसा नहीं कमाया, इज्जत कमाई थी, और ये बात दोनों भाई समझ गए थे कि इज्जत कमाने और पैसा कमाने में बहुत फर्क है। नमस्कार जी, रिजल्ट आने वाले, आशीर्वाद तो दीजिए। इस बार जीत हम लोगों के होगे। हार जीत हमारे हाथ में नहीं होती है। अपने राजेंद्र जी बड़े महान इंसान है, इनके जैसा और कोई नहीं हो सकता। हमारे गांव के माताओं बहनों और भाइयों, इस बार नारायण जी इलेक्शन में फिर से जीत गए हैं। हे भगवान, ये मार्केट हमेशा ऐसे ही खिलखिलाता रहे, यहाँ के किसान और व्यापारी हरे भरे रहे, सबकी रक्षा करना भगवान। उसके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है भैया? ईमानदारी, ईमानदारी है उसके पास। या तो अच्छा आदमी बनो या अच्छा आदमी बनने का नाटक करो, नाटक। मेरे पास ये दोनों नहीं है, इसकी आदत डालनी होगी, और वो इतना आसान नहीं है। मेरी जिंदगी ऐसी कभी नहीं थी। सिर्फ एक हार की वजह से आत्महत्या कर ली? पदवी चाहिए थी तो मुझसे पूछ सकते थे ना, लेकिन तुम कभी ऐसा मत करना। आगे से तुम मेरे साथ रहकर मार्केट के काम देख लेना। आप सब यहीं रह के सारी तैयारी देखो। ठीक है, मैं आता हूं। इसके साथ काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं जी सकते भैया। कितने अच्छे आदमी है। नमस्ते, नमस्ते साहब जी। एक निवाला दो। क्या कह रहे हैं साहब? कोई बात नहीं, दो ना साहब। आप, मैंने कहा दो। ये खाना कैसे खा रहे हो? ये हम चार दिन पहले घर से लेकर आए थे साहब। हम घर तब तक नहीं जा सकते जब तक हमारा सामान न बिक जाए साहब। सोते कहाँ हो? यही कहीं सो जाते हैं साहब। क्या है ये सब? अब आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। सामान लाने वाले हर किसान को मुफ्त में खाना और सामान जब तक न बिके उसके आराम के लिए भवन होना चाहिए। कोई भी किसान अपने नुकसान की वजह से घर नहीं जाना चाहिए। साहब, किसानों के लिए ये सब करने के लिए कितना खर्चा आएगा पता है आपको? इस मार्केट से कितना मुनाफा आता है पता है? तुम हिसाब देखते हो ना साहब? ये तो जगह ही है धंधा करने की। अरे, यहाँ किसान होंगे तो ही धंधा होगा ना। किसान मार्केट के लिए नहीं बल्कि देश के लिए रीढ़ जैसा है, उन्हें अच्छे से संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। किसान की सेवा ही असली सेवा है। अब आगे से मार्केट में यही बात लागू होगी। ये सब करने के लिए मार्केट को बढ़ाना होगा। सुनो केशव, साहब जी इधर आओ, अब से इन सब की जिम्मेदारी तुम्हारी। ठीक है साहब जी। साहब, इनके पिताजी के बारे में जानते हुए भी आप? इसके पिताजी बुरे होंगे, इसके लिए तुम इसे क्यों बुरा बना रहे? काम करो बेटे, दुख भूल जाओगे। जी ठीक से करना जी साहब। ए काम करो रे। एक ऐसी सोच जो इंसान में कभी नहीं आनी चाहिए, वो सोच उसमें आ गई। अच्छे इंसान का नाटक करना भी शुरू कर दिया उसने। अच्छे आदमी की तरह नाटक करने लगा। लगता है केशव अपने बाप से भी ऊंचा नाम कमाएगा। ए, निकालो यहां से। हाँ।
अरे केशव वहां से भी निकालने को बोलो। साहब ने कहा ना वहां से भी निकालो, जाओ जल्दी जाओ। चेयरमैन साहब ने अनुरोध किया है कि सबको चंदा देना पड़ेगा। क्या हो रहा है, क्या ड्रामा है भाई? चंदा क्यों देंगे? क्यों पैसे देंगे हम? और कहो मेरी बात सुनो, पैसे नहीं दे सकते। केशव नहीं देंगे, ये क्या हो रहा है? सब लोग शांत हो जाओ। सब शांत हो जाओ जी। आपने जो काम मुझे सौंपा था उसमें थोड़े रुपए कम पड़ गए थे, इसलिए इन सबसे उधार लेना पड़ा, यही बात है। पैसे कम पड़े तो मुझसे मांग सकते थे ना, जनता से वसूली क्यों कर रहे हो तुम? कोई भी घबराए नहीं, पता नहीं ये गलती कैसे हो गई। कोई भी पैसा नहीं देगा, मैं दूंगा। क्या हो रहा है, पैसा आप ही देने को कह रहे हो, आप ही मांग रहे हो? अंदर कोई गोलमाल तो नहीं है? ए, क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, हिसाब किताब बराबर हो रहा है या फिर बात को पलट कर बोल रहे हो, ये मैं पूछ रहा हूँ। तुम कौन होते हो पूछने वाले? क्यों नहीं पूछ सकता, हम सबके लिए तो पूछ रहा हूँ मैं। राजेंद्र जी इतने भी बुरे नहीं है कि उनको हम हिसाब किताब पूछे। हमको पता है कौन सही है और कौन गलत है। चलिए 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 राजेंद्र जी। उस पर सबने भरोसा किया लेकिन किसी एक ने भी मेरा साथ नहीं दिया। उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। और क्या, उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे भैया। हमें उसे नहीं मारना चाहिए। फिर साले अकाउंट का घोटाला करते है तेरा बाप। मेरे पिताजी को, मेरे पिताजी को मारेगा तू? वो अगर नहीं मरा तो मार्केट हमारे हाथ नहीं लगेगी। उसे आसानी से मारना हमारे हाथ में है। तेरा बाप एक गधा है, मेरा भाई एक गधा था। इनकी सोच ही अलग है, इनके नाम के स्टैम्प के सहारे कितने साल टिके रहेंगे। मेरा भाई तो वैसे भी मर गया, अगर ये भी मर जाएगा तो अपना खाना और अपना भविष्य खुद बना सकते हैं। कौन मारा, किसने मारा मुझे? आ गया बेटा, खाना लगा दूं? नहीं भाभी, भूख नहीं है, ऊपर वाले कमरे में जा रहा हूं। वो अपने राक्षस रूप को अक्सर आईने में दिखा करता था। पिताजी को मार डाला, दिखाओ। ये देखो, ये देखो, ये अकाउंट है, हिसाब है ना, ये लो, 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 ये हिसाब ही नहीं रहेगा, मैं इसे फाड़ डालूंगा, जला डालूंगा इसे। तुमने मेरे पिताजी को मार डाला, मेरे पिताजी के हत्यारे हो तुम। क्या हो रहा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने किसी को नहीं मारा साहब जी, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इन्हें विश्वास नहीं है। इनके लिए कितना भी कुछ करो सब बेकार है। हमें ये मार्केट का झमेला ही छोड़ देना चाहिए। नहीं केशव, आज अगर मैंने मार्केट छोड़ दिया तो कल कौन संभालेगा? साहब जी। भैया क्या कहा इसने? मार्केट छोड़ने से मना कर रहा है, इसके लिए एक हत्या का।
सही बोल रहा हूँ ना, तुमने किया ना ये सब। आग बुझाओ, अरे पानी लेके आओ, अरे जल्दी 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 कोई आग बुझाओ भाई, अरे पानी लेके आओ जल्दी। ये सब क्या हो गया सर, हम बर्बाद हो जाएंगे सर। ए जल्दी करो, मारो इसको, विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, विश्वास करो, मेरा विश्वास करो। बेटी, ये सब क्या हो गया? लक्ष्मी यहाँ से जाओ, जल्दी जल्दी निकलो, मैंने कहा ना। और उसी वक्त केशव ने मेरे पिताजी पर हत्यारे का नकाब पहना दिया। केशव इसे संभालो, संभाल कर ले जाना, जाओ जी, आप मेरी बात तो मानिए, आइए ना हमारे साथ। अच्छा तुम लोग अभी तक खड़े हो, जाओ चलिए ना हमारे साथ। उसने उन सारे लोगों को मार दिया और मेरी माँ को। लक्ष्मी लक्ष्मी, अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ मेरी लक्ष्मी को। भगवान जल रहे हैं, मेरी मदद कीजिए प्लीज। चलो चलो, अरे चलो चलो, अरे कोई बचाओ इसे, अरे आग बुझाओ, जल्दी चलो। उससे बचने के लिए मेरे पिताजी मुझे लेकर वहां से भाग। हाँ भैया, वो दोनों यहां से जिंदा बच के नहीं जाने चाहिए, मार दो इन्हें। क्या केशव जी, ये सब आपने किया है? अब समझ में आ गया वो कितना हैवान है। इतने दिनों से मैं अपनी मौत से खेल रहा था। ए, मतलब इतने साल से तुम बाप बेटा मिलकर हम सबके साथ नाटक कर रहे थे। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। देखो अब तक मैं तुम्हारा कलर देखकर अपने घर का दामाद बनाना चाहता था, पर अब नहीं, तुम्हारा करेक्टर देखने के बाद तुम ही मेरे दामाद बनोगे डिसाइड कर लिया है। हाँ वाह, क्या कमाल आदमी हो, पसंद आया पसंद आया। देखो दामाद जी, आपको मेरे दो काम करने पड़ेंगे, एक सबके सामने मुझे धोती पहनाओगे, दूसरा मेरी बेटी के गले में तुम मंगलसूत्र बांधोगे। अरे हमारे, ये बात यही खत्म होती है। हाँ अगर ऐसा है तो आपको मेरे दो काम करने पड़ेंगे। क्या है वो? एक, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पिताजी को पता नहीं चलना। फिर दूसरा काम? मेरे कहने तक ये तुम्हारे पास ही रहेगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ नहीं पता चलेगा, हम वैसे भी कभी कुछ ठीक से बताते नहीं। वैसे ये कौन है देखो तो? अरे ये तो नंदू बाबू है। तुमने मेरे पिताजी के बारे में उन लोगों से बोल दिया था, इसलिए उन लोगों ने उन्हें मारने के लिए इसे भेजा था। अब इसको मार्केट में ले जाकर दिखाएंगे तो सबको उसके बारे में पता चल जाएगा। वो इतनी आसानी से बाहर नहीं आएगा, एक बुरे आदमी को हम डायरेक्ट मार सकते हैं, लेकिन वो अच्छाई का नकाब पहना हुआ बुरा आदमी है। नमस्ते साहब। उसके सच्चाई बाहर निकालने की बहुत कोशिश की मैंने। 10 साल की उम्र में उसकी आंखों के सामने उसके आदमी को मारा मैंने, पर वो सामने नहीं आया। मार्केट के हर लफड़े में मैं जानबूझकर आया, फिर भी वो बाहर नहीं आया। उस दिन वो चेयरमैन के अहदे वाली बात पर भी सामने नहीं आया। तो मैं भी इतना ही था, मुझे तजुर्बा मिला ना, इसे भी मिल जाएगा आखिरकार। समझ गए ना, तुम्हें ही बनना चाहिए। उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी बेटी से सगाई भी कर ली मैंने, कमीना कहीं का। वो फिर भी सामने नहीं आया। उसने मेरे पिताजी से सिर्फ मार्केट ही नहीं चुराया, उनकी अच्छाई भी चुराई। अब वो उसी के नकाब में है। अब तुम क्या करने वाले हो? सबके सामने अच्छाई का नाटक करने वाले केशव जी को अच्छाई का नाटक करने का दर्द दिखलाऊंगा, उसका नकाब उतारूंगा मैं। देव बेटा, ए तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। कहाँ गया ये? देव बेटा। देव बाबू, अरे वो तो भाग गए। भाग गए? कहाँ भाग गए? पिता की जिम्मेदारी निभाना बेटे का फर्ज होता है ना, वही निभाने गए हैं। और वापिस आ भी जाएगा। बेटा देव,
मैंने सुना है रवि के पिताजी हैं। नहीं साहब, वो एक अनाथ है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं साहब, आप क्यों झूठ बोलेंगे साहब? ए कल्लो, रवि के पिताजी जिंदा है। रवि के पिता है, रवि के पिता है। अरे चुप क्यों हो, बताते क्यों नहीं? अरे तुम्हारे पिताजी के बारे में मालूम पड़ गया ना रवि, तो तुम्हारा पार्टनर होने की वजह से मुझे भी इसी मार्केट में दफना देंगे। रवि, क्या तुम्हारे पिताजी जिंदा है? क्या बेटा, सब लोग पूछ रहे हैं, तुम्हारे पिताजी हैं क्या? हाँ है, मेरे पिताजी हैं, पर होकर भी नहीं, इसलिए नहीं बताया। मुझे बचपन से जिंदगी में कुछ कर दिखाने का शौक था, हमेशा जीतना चाहता था, लेकिन वो मुझे हर चीज से दूर रखते थे, इसलिए मैं भाग कर यहाँ आ गया। मैं ऐसी जगह पर कैसे रह सकता था जहाँ मेरे सपने को कुचल दिया जाता था? आप लोग बताइए, आपके घर से कोई गुम हो जाएगा तो क्या आप लोग उसे ढूंढेंगे नहीं? हाँ ढूंढेंगे, लेकिन मेरे बाप ने क्या किया पता है? मेरे जीते जी मेरा पिंड दान किया, ऐसा है मेरा बाप। तो आप बताइए, ऐसा बाप होना ना होना क्या फर्क पड़ता है? चाहे कुछ भी हो, पिताजी तो पिताजी ही होता है। ठीक है ससुर जी, अब आप इतना कह रहे हैं तो मैं अपने पिताजी को माफ कर देता हूँ। मेरे पिताजी कहाँ हैं ससुर जी? अपने पिताजी के बारे में तुम इनसे क्यों पूछ रहे हो? ये क्या, आपने दुर्गा को भेजा है ना उनको ढूंढने के लिए? क्या ये सच है साहब? ससुर जी जरा जल्दी उन्हें ढूंढने की कोशिश कीजिए। शादी के काम में बिजी है ना, जितनी जल्दी हो सके आ जाएंगे। ओके। हो गया साहब, अब आप जा सकते हैं साहब। ये उठी गोला। మావయ్యా అమ్మోరు జాతర టైం కూడా కాదు, ఏంటి హడావిడి అనుకుంటున్నావా? ఏం లేదు మావయ్య, పెళ్ళి ఎలాగో ఎరగదేస్తావు, మా నాన్న తీసుకొస్తావు, నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది. పెళ్ళి చేస్తానని చెప్పావు కానీ ఎప్పుడో చెప్పలా. ఎంతకి పెళ్ళి ఎప్పుడు మావయ్య? ఏం లేదు మావయ్య, ఈ హడావిడి ఏంటంటే మా ఇంట్లో పెళ్ళి అంటే ఊరూరు అంతా అదిరిపోవాలి కదా, అందుకే స్టేట్ మొత్తంలో అదరగొట్టే బ్యాచ్లందరినీ పిలిపించా. ఏ తాళం నచ్చిందో ఏ మేళం నచ్చిందో నువ్వే డిసైడ్ చేసుకో. పల్లకీలు చేద్దాము, పెళ్లి పూర్తి చేద్దాము, పల్లకీలు చేద్దాము, పెళ్లి పూర్తి చేద్దాము, రత్నమెక్కి తిరుగుదాము గిరా గిరా, రంగుల రత్నమెక్కి తిరుగుదాము గిరా 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 గిరా, మామ రాజురారా, అరే మామ మా రాజురారా. లగండి 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 మాయా, నెక్స్ట్ ఆదిలాబాద్ రవి. మనవాడుకుందాము మీ అయ్యతో చెప్పిరా మల్లా, మనవాడుకుందాము మీ అయ్యతో చెప్పిరా మల్లా, మనసైన దాని రంగేలి రవ్వ, సక్కంగా చూస్తేనే మా ఇంటి పువ్వా, మనసైన దాని రంగేలి రవ్వ, సక్కంగా చూస్తేనే మా ఇంటి పువ్వ, ముక్కుకు ముక్కేనే చేయిస్తా పిల్ల, నడుముకు వడ్డాన మేయిస్తా పిల్ల, నీ నడుము మావయ్య నచ్చకపోతే చెప్పే. నెక్స్ట్ అంకంపాలెం కోలాటం దించేద్దాం. కోలు 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 కోలన్న కాదు మేలు, మేలు కాదు పిల్ల మెల్లంగ దంట కూడు, కోలు 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 కోలన్న కాదు మేలు, మేలు కాదు పిల్ల మెల్లంగ దంట కూడు, కోలు 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 కోలన్న కాదు మేలు, కోలు 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 కోలన్న కాదు మేలు, కోలు 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 కోలన్న కాదు మేలు, మేలు కాదు పిల్ల మెల్లంగ దంట కూడు, ఎర్రగించు కట్ట అమ్మ ఎంత సాటు బిడ్డ, తాను పనంటే ఎంత నేను ఎంత తాలి కట్ట, ఎర్రగించు కట్ట అమ్మ ఎంత సాటు బిడ్డ, తాను పనంటే ఎంత నేను ఎంత తాలి కట్ట, కోలు 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 కోలన్న కాదు మేలు, కోలు 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 కోలన్న కాదు మేలు, కోలు 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 కోలన్న కాదు మేలు, మేలు కాదు పిల్ల మెల్లంగ దంట కూడు, మేలు కాదు పిల్ల మెల్లంగ దంట కూడు. పాపం పండెను నేడు, నీ భరతం పడతా చూడు,
నీ పాలిదయ ముణ్ణి నేను నీ కరెక్టు మగుణ్ణి నేను రే మ్యారేజ్ పాట పాడమంటే డామేజ్ పాట పాడతావేంట్రా అవును తీసుకెళ్ళండి మామా నాగులో మామా నాగులో మామా నాగులో మామా నాగులో మామా నాగులో మామా నాగులో అడ్డగోడల మీద అడ్డగోడల మీద అడ్డ 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 అడ్డగోడల మీద అలిగి పన్నావురో మామా నాగులో మామా నాగులో మామా నాగులో సరసరం అనుకుంటూ సరసాలాడుకుంటూ సరసీసల కాడ సరసీసల కాడ సరసీసల కాడ సాగిల పన్నావురో మామా నాగులో మామా నాగులో మామా నాగులో ఏమయ్యా ఇంత హడాడు చేసాక కూడా సైలెంట్ గా ఉన్నావంటే మేళం నచ్చలేదా లేకపోతే ఈ మ్యారేజ్ నచ్చలేదా మాలే వాడయ్యా నాకు ఈ మేళం నచ్చింది నీతో పెళ్లి నచ్చింది నా కూతురుది అయితే ఇంకేంటి లేటు సంబంధం కలుపుకున్నావు కాలు కూడా కలుపురా కోడూరు జాతర్ల కోలాటమున్నది కోడూరు జాతర్ల కోలాటమున్నది కోలాటమున్నది కోలాట సింధుల్లో దిమ్మెత్తి పోయేటట్టు మొత్తానికి ఆదికేశంలో ఆట ఆడించావుగా సాధించావు వైటు లేదు పవరం ఏ రోజైతే మా నాన్న ముసుగు తీసి మార్కెట్లో అడుగు పెడతాడో ఆ రోజే నేను సాధించినట్టు అప్పటి వరకు వీటిని వదలను ఏయ్ ఉస్కీ జేబ్ సే ఫోన్ లేకర్ ఆవ్ అరే నికాల్ బాప్ రే బహుత్ తడప్ రా హై ముజే దో हेलो हाँ दुर्गा वो कौन है तेरा बाप है क्या ये नंबर तो दुर्गा का है ना नहीं नोकिया का है अबे दुर्गा कहाँ है मिर्ची डालकर सुखा दिया है ये 9849013999 ही है ना रुको देख कर बताता हूँ 9848025988 अबे ये तो मेरा नंबर है क्या पता इसमें तो यही देख रहा है आप क्या करें ए, मैं क्या पूछ रहा हूँ और तू क्या बोल रहा है पता है अब तुम क्या पूछ रहे हो तुम नहीं जानते हो तो मैं क्या बता रहा हूँ मुझे क्या पता अबे तू पागल है क्या ए, दीवाना बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन पागल बर्दाश्त नहीं करूंगा दमे तो एड्रेस बता और उधर रुक मैं आ रहा हूँ वहीं पर ए, रुको एक दम था वो भी खत्म हो गया अब क्या करें काट दिया ये कहाँ भाग गया भैया दुर्गा को फोन किया तो कोई पागल बात कर रहा था तुम जाओ क्या हुआ देख कर आओ चाहे कुछ भी हो जाए राजेंद्र यहाँ चाहिए हाँ ठीक है भैया नहीं पिक्चर देख रहा हूँ एक पागल कुत्ता भाग गया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा वो गांव से बाहर ना जाने पाए उसे पकड़ के रखना थोड़ा उतरोगे पर क्यों अरे बोला ना उतर अरे लेकिन क्यों चल उतर अरे उतर ये पागल लोग ही क्यों मिल रहे हैं यार उतर उतर थोड़ा चल के बताना अरे पागल चला बैठ हाँ हाँ पीस मेरे पास ही है लेके आ रहा हूँ भाई पीस सुनिए रवि फिर से मार्केट में आकर मारामारी कर रहा है रवि तुमसे कहा जा रहा है तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है यहाँ आकर चेयरमैन जी से बात कर लो जानवरों की तरह मारामारी मत करो चेयरमैन जी से आकर बात कर लो रवि तुमसे कह रहा हूँ चेयरमैन जी से आकर बात कर लो फिर बताता हूँ ए रवि मारामारी क्यों कर रहे हो हर दिन हमारी मार्केट में 100 लॉरी बिना रसीद के आती है एक लॉरी पर 1000 रुपए के हिसाब से रोज के 100 लॉरी मतलब एक साल का 360 करोड़ हमारी मार्केट को मिलना चाहिए और ये सब ये वसूल कर रहे हैं उसी लॉरी से हर बोरी के पीछे 10 रुपया ये भी वसूल करते हैं मतलब हमारी मार्केट में लाखों के ऊपर बोरियां आती हैं किसानों को खिलाने वाले कॉन्ट्रैक्टर को लाखों और हमारे यहाँ हर दुकान पर 1000 रुपए के हिसाब से करोड़ों 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 खा रहे हैं ये लोग वो किसके बाप का माल तुम तो पूछ
बेचने वाले। मर्द हूं मैं, इस मार्केट के चेयरमैन की बेटी का होने वाला मर्द। तुम्हारे पीछे कौन है पता लगा। ससुर जी आप आ गए। अरे देखिए ससुर जी, आपके मार्केट में कितनी धोखेबाजी कर रहे हैं लोग। बेटा पर आप फिक्र मत कीजिए, आज इन सालों के पीछे के सारे नेटवर्क का पता लगाऊंगा। कौन है बे, तुम्हारे पीछे कौन है? जानता रवि। तो क्या तुम्हारे सामने है? आगे नहीं है पीछे नहीं है, मतलब वो जरूर तुम्हारे साथ ही होगा। सब बता। मा, 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 मा। क्या हुआ ससुर जी? ऐसे लोगों पर भरोसा क्या, इसीलिए दुखी हो रहा हूँ। तुम इन्हें मार के क्या दिखाना चाहते हो, इससे मुझे और दुख होगा। इसलिए ससुर जी, कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है पता लगाने के लिए सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, सारे डिपार्टमेंट वालों को बुला लिया है मैंने। अब तक तो रेट भी पड़ गई होगी आपकी कोल्ड स्टोरेज में। सर यहाँ बहुत सारा कैश है। सर यहाँ पे भी बहुत सारा कैश है। किसका है, किसका ये कोल्ड स्टोरेज? बाप रे इतना सारा पैसा, ये कोल्ड स्टोरेज है या स्विस बैंक है? पैसा तो ठीक है, लेकिन ये स्त्री क्या है, ये आईना क्या है, और ये पाउडर का डिब्बा क्या है भाई? अरे साहब जी के पुराने गोडाउन में इतना पैसा, ये किसका है? अरे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या ये सब कुछ साहब जी का है? ये सारा माल साहब जी का है? हाँ इनकी शक्ल देख, भगवान है ससुर जी। बता दीजिए इनको, क्या ये आपका माल है? अरे मेरा नहीं है। किसका है? उसका होगा। उसका मतलब कौन? दुर्गा। जोर से बोलिए दुर्गा। ये दुर्गा कौन है भाई? ससुर जी का राइट हैंड है, आखिर उसने भी ये किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर पता करो ये दुर्गा कहाँ है। ससुर जी अब आगे से कोल्ड स्टोरेज में आप मत आइएगा, क्या है कि आप पर भी इसका इल्जाम आ सकता है, इसीलिए। ससुर जी ये सारा पैसा तो ये लोग लेके जा रहे हैं, पर ये डब्बा मैं लेके जा रहा हूँ। अबे साले ऐसे बैठा है जैसे लूट गया हो, तुझे पता है हम लोग बॉम्बे के रहने वाले हैं? बेवकूफ, खुद को एमएलए समझता है, अगर कोई गड़बड़ की ना तो हम लोगों से बुरा कोई नहीं होगा। इडियट, एक बार बोला ना मार्केट शिफ्ट होना चाहिए तो शिफ्ट होना चाहिए। वीआईपी एमपी एमएलए तू अपने घर में होगा, सिर्फ एक फोन कॉल मुंबई करूंगा तू बम ब्लास्ट के केस में फंसेगा, समझा क्या? तुम लोग यहाँ पे मजे कर रहे हो, जान मेरी आफत में पड़ी हुई है, लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूं तुम्हें बताओ। दुर्गा वापस नहीं लौटना चाहिए। दुर्गा वापस जिंदा नहीं लौटना चाहिए। मैं नहीं डरता किसी से, भगवान मेरे साथ है। ए, कौन हो तुम? निकालो अपना नकाब निकालो, कौन है? रुको, मेरे कहा रुक जाओ पीछे मुड़ो। कौन हो तुम, ये नकाब क्यों पहने हो? फोन। कुछ पीना है? फोन। ओ फोन यही चाहिए ना, चलो नंबर बोलो। 9 8 6 9 8 6 6 4 5 6 3 4 5 6 3 4। लो घंटी जा रही है, घंटी जा रही है, बात करो। लो हेलो भैया, राजेंद्र कोई और नहीं, वो नारायण ही है। अरे डरा क्यों रहे हो, नकाब उतारो और बात करो। हेलो हेलो क्या बोल रहे हो तुम? हेलो अरे पकड़ो उसे जल्दी। मुझे इस मार्केट से निकालना किसी के भी बस की बात नहीं है। मुझे ये मार्केट चाहिए, मुझे इनकी बेटी से शादी करनी है। पिताजी कहाँ हैं ससुर जी? गाड़ी रोक। हम जिसे ढूंढ रहे थे वो मिल गया भाई। उसे छोड़ो, पहले उस दुर्गा को खत्म करो। भैया कहाँ जा रहे? रुकिए रुकिए भैया कहाँ जा रहे? अरे भागिए मत।
अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जा पकड़ो उसे, जाओ। वो यहाँ आया कैसे? आपके बेटे ने ही छिपा कर रखा था उसे। क्या कहाँ है मेरा बेटा, क्या वो यही है? हाँ वो यही है। मुझे मेरी बेटी के साथ मेरे मार्केट को भी बचाना है, और उससे पहले मुझे अपने आप को बचाना है। शादी को मुश्किल से 10 दिन बचे हैं, आप कुंडली क्यों देख रहे हो बेटा? माँ, जब से सगाई हुई है तब से कुछ न कुछ गलत ही हो रहा है। इन दोनों को खुश रहना चाहिए, इसीलिए मैंने पंडित जी को बुलाया है कि इन दोनों की कुंडली आपस में मिल रही है कि नहीं। अगर नहीं मिली तो कैंसिल कर दोगे? मतलब कि वो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं बेटा, MLA जी ने भेजा है, वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। बाप रे, पंडित जी ये शादी होगी ना? दोनों कुंडलियों को जोड़कर देखने के बाद ये पता चला है कि हे भगवान, ये शादी कैंसिल हो जाए। शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये पाउडर लगा ले। मामूली नहीं होगी। मामूली नहीं होगी मतलब? गंधर्व विवाह है, इसका मतलब इस जातक के वर वधु का शादी से पहले ही हो जाएगा, उसके बाद ही ये शादी होगी। मतलब? बेटी जरा इधर तो आओ, जरा अपना कान दो। बेटा, उन्होंने पहले पाउडर लगाकर शादी से ना कहने के लिए बोला, बाद में तुमने पाउडर लगाकर कहने के लिए बोला, और कुछ बोलने का बचा है क्या बेटा? दादी आपको कुछ पूछना है? अभी बस इतना ही ठीक है। अच्छा, मुझे आज्ञा दीजिए। शादी के लिए सिर्फ 10 दिन बाकी है, और शादी के पहले भी हमें कुछ करना चाहिए। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। अरे बाप रे, मैं क्या करूं? मुझे तो सोचकर ही गुस्सा आता है कि ये मुझे प्यार करता है। मैं तो ये भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि इसके साथ एंगेजमेंट हो गई है, और ऐसे में शादी से पहले मतलब छी 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 छी, मैं पागल हो जाऊंगी। क्यों परेशान हो रही है? तेरे पिताजी है ना, वो सब देख लेंगे। इस वक्त मुझे मेरे पिताजी जैसे अच्छे इंसान की जरूरत नहीं है। अर्जेंटली मुझे एक बुरा आदमी चाहिए। आई नीड अ बैड बॉय। ए, कौन है तू? यहाँ सिगरेट पीना मना है, तुझे पता नहीं है? रवि तुम ही हो क्या? तो तुम कौन हो, किशन हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो बुरा आदमी हूँ। तू चड्डी वाला बुरा आदमी है क्या? क्या बोला बे? तो अपना हाथ काट सकता है, देखना चाहता है? ये तो एक सैंपल है। अच्छा? अगर तू अच्छा है तो मैं बुरा आदमी हूँ। तुझमें और मुझमें बहुत ज्यादा फर्क है। क्यों बे? सैंडी को तूने ओ ओ ओ ओ कहा है ना? तुमसे बता दिया उसने। दुर्रे, मेरे होते हुए ऐसा फालतू काम कभी नहीं होगा। हाँ, तो मुझे वार्निंग दे रहे हो? हाँ वार्निंग दे रहा हूँ। तुम्हारी वार्निंग बड़ी कमजोर लग रही है। हाँ, वैसे भी तू पी रहा है और मुझे क्यों चढ़ रही है? अरे चढ़ नहीं रही है, उतर रही है। क्या उतर रही है? लो बांधो इसे। अगर सैंडी के घर आए ना तो सारा बदर काट लूंगा। दफा हो जा। क्या रवि ऐसा वार्निंग दे दिया? वैसे इसने वार्निंग नहीं दी, अच्छा आइडिया दिया है। सैंडे डोंट वरी, टेंशन मत लो, मैंने उसे जबरदस्त वार्निंग दे दी है और वो कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। वो क्या? फ्यूज क्यों निकाला? इस काम के लिए अंधेरा ही सही है। इसे पकड़ो, सही टाइम पर फ्यूज लगा देना। कब? सब कुछ हो जाने के बाद। कब हो जाएगा? अरे जैसे तुम तो जानते ही नहीं हो। जोर से चिल्लाने की आवाज आने के बाद, ठीक है? रवि, ऑल द बेस्ट। है टेंशन मतलब? अरे मैं हूं ना। नॉर्मली जब वो आता है तो क्या क्या करता है, अब अगर पीकर आएगा तो पता नहीं क्या करेगा। अरे आदमी कहाँ चलेगा तुम? संध्या, सॉरी सैंडी बेबी कहाँ चले गई? सैंडी
पता नहीं कहाँ चली, चला क्या, कहाँ है वो, तो तुम यहाँ छिप रही हो हाँ? मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। बाप रे, पकड़ लो, पकड़ लिया, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, वापस कहाँ चला गया? सेम टू सेम। क्या है ये सब? ट्रैप। ट्रैप? आखिर तुम करने क्या वाले हो? मूड आए तो मर्डर भी कर सकता हूँ। अब से तुम सेफ हो। अब तुम आउट हो जाओ और मैं इन हो जाता हूँ। ठीक है। सैंडी बेबी, कहाँ हो तुम? ढिंग तक, ढिंग तक, ढिंग तक तक ढिंग। सैंडी मुझे बुला रही है। मैं आ रहा हूँ बेबी। रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। अरे भगवान, ये वो आवाज नहीं। ए, अरे कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, जाओ रुक जा, रुक जा। अरे यहाँ क्या कर रहे हो तुम? जल्दी भागो मैम साहब, कुछ अनहोनी हो रही है। जल्दी चलो। ये तो रवि की आवाज लग रही है, चीख वहां से आनी चाहिए। सब कंफ्यूजन लगा दे। इसी क्यों लगा रहे हो? बहुत सारी चीखें सुनाई दे रही है, कौन सी चीख पे लगाना है? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। थोड़ी देर बाद भयंकर चीख सुनाई देगी, तब लगा देना। यहाँ पर धिंता धिंता धिन। कमीना, मेरे पेट की चुंटी ली। मुझे काटोगे क्या? चबाऊंगा। ए सैनी, सैनी बेबी रुको। अरे गुड नाइट। आज जिसकी तो खैर नहीं। समझ में नहीं आ रहा है, मैं आ। सैंडी, तो क्या ये इंटरवल था? सैंडी कहाँ चली गई? तुम आओ जल्दी, जरा इधर बैठ जल्दी। मेम साहब जरा जल्दी भागिए, कुछ अनहोनी होने वाली है। क्या बोल रहे वो साधारण नहीं, बहुत भयानक है। ये क्या बोल रहे हो? मैं खुद ही नहीं जानता। सैंडी, तुम इंटरवल की तरह क्यों गई? तुम ब्रेक चाहिए क्या? आज आप पॉपकॉर्न खिलाता हूँ। क्या इतनी सारी चीखें एक साथ, क्या हुआ होगा? अरे भागो, भागो ऐसे। सैनी पकड़ लिया। अरे छोड़ो, अब कहाँ जाओगी? तुमने तो कहा था कि तुम बैड बॉय हो, अब तुम जाते हो। मुझसे भी बुरा है ये तो। अरे बचाओ मुझे, क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ। अरे मुझसे ये सैन नहीं हो रहा है, मुझे बचाओ, बचाओ। अरे मेरा पल्लू। ए सैनी, सैनी रुक जाओ। लेडीज से प्यार करना चाहिए, भगाना नहीं चाहिए। सैनी ऊपर मत जाओ, ससुर जी सो रहे होंगे। मतलब तुम ऊपर जाके रहोगे? मैं भी आ रहा हूँ। चलो चलो। अरे ये बिना कपड़े के क्यों बैठे हैं? ये मैंने क्या देख लिया? कुछ रात को नहीं। मकान की हिम्मत है।
जी क्या है जी? आप ये अवतार में? हे भगवान, ये ऐसे हो गए, मैंने सोचा नहीं था। उनको पीने की बुरी आदत भी है सासुमा, आपने मुझे कभी बताया नहीं। सोने जैसे मेरे बेटे को ये कैसी बीमारी हो गई? हो सकता है ससुर जी में ही कुछ कमी हो दादी माँ। अरे इतनी बड़ी बात है, उसमें क्या कमी हो सकती है बेटा? भूत। क्या भूत का साया होगा? क्या भूत? भूत कब और कैसे पकड़ा बेटा? भूत? जिन पर भूत का साया होता है फिर वो भगवान भरोसे ही होता है। क्या बात कर रहा बेटा? क्या भूत? अरे दादी, भूत दिन भी नहीं रहते हैं, लेकिन रात को पागल बन जाते हैं। पागल? अब देखना मैं कैसे छा जाता हूँ। दादी आप परेशान मत होइए। अरे क्या हुआ? भूत लगा बेटे के पीछे। लेकिन मैं तो ठीक हूँ। मैंने कहा था ना, भूत का साया है इन पर। ससुर जी आपको ध्यान नहीं रहता, लेकिन आप रात को नंगे ही घूमते हैं। कौन मैं? चीची चीची, वो क्यों? तुझे भूत ने पकड़ा है बेटा, तुझे भूत ने पकड़ा है। मुझे? ए भूती, इनको छोड़ दे। कोई बात नहीं, भूत निकाले भी जाते हैं। कैसे? मेरे पास उसका एक रास्ता है। कैसे? मैं ससुर जी के अंदर के भूत को मार मार के निकालूंगा। बोलो, फिर से बोलो। चुड़ैल! अरे बाप रे, तू इनके अंदर कितने सालों से बसी हुई है, तुझे और कोई मिला नहीं क्या? इनमें ऐसा क्या पसंद आ गया? बिना कपड़े के अच्छे लगते हैं। अरे बोल चुड़ैल, बोल जल्दी से, जा अभी तुझसे बुलवाता हूँ। अरे ये चुड़ैल तो 15 साल से इनके अंदर बैठी है। अरे तुम कैसे जानो कि वो तो अंदर है ना, बाहर थोड़ी है इनके। इस चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए पीटना होगा। हाँ पीटो इनको, जोर से पीटो। तूने मेरे पति को वश में कैसे किया? छोड़ मेरे पति को, छोड़, छोड़ दे, छोड़ दे मेरे पति को, मैं तुझे मार दूंगी। छोड़ दे मेरे पति को, छोड़ दे मेरे पति को, छोड़ दे। बाहरा, चल बाहरा। अरे ये तो अपने देव बाबू हैं। किसी का भूत निकाल रहे हैं। तू चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, मुझे बाहर नहीं निकाल पाएगा। किसने बताया? कैसे पता चला? उस मुन्ना को भागते हुए तुम्हारे पिताजी ने देख लिया था। ए, उससे क्या बातें कर रहे हो? सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सफेद शर्ट क्यों पहनी है? काम क्या करते हो तुम? ये जगह कौन सी है पता है? पता है वो कौन है? पता है मैं कौन हूँ? आप फिर से फ्लैशबैक में जाओगे क्या? ए, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तो कहा था क्या 10 साल पहले ये तुम्हें बताया बिना घर से भाग गया था। मैंने बताया? हाँ मैंने कहा था। तुम नहीं बताया था? क्या तुम्हें सच्चाई पता है? ये सब कुछ जानते हुए भी यहाँ आए हो? वहां मैं कैसे रह सकता हूँ? इसके बिना आप रह सकते हो क्या? किसी नए को देखते ही मुंह क्यों चुपा लेते हो? हाँ आपको ऐसे जीते हुए नहीं देख सकता, इसलिए आया मैं। तो अब क्या करने वाले हो? क्या करने वाले हो? आपका नकाब हटाना है, अपने पिताजी का ये चेहरा मुझे दुनिया को दिखाना है, और जब तक ऐसा नहीं होगा मैं वहां से नहीं आऊंगा। आपने जो खोया है मैं उसे वापस ले आऊंगा। तू वापस लाएगा? मैंने कहा तुझे लाने, पता नहीं तुझे पैदा क्यों किया। मैंने भी मांगा क्या? मैंने मांगा था क्या? आप मुझे पैदा करो, मैंने बोला था क्या? आपने पैदा किया, ये भी ऐसा ही है। ए, मैं तुझे कैसे समझाऊं? दोनों समान कैसे हो सकते हैं? मैंने जो खोया कोई खास बात नहीं है, इल्जाम की भी मुझे परवाह नहीं, बस तू सही सलामत है यही मेरे लिए बड़ी बात है। अगर तुझे कुछ हो गया? मुझे कुछ नहीं होगा, इतने साल मुझे कुछ नहीं हुआ। आपका बेटा हूं, पता चला तो होगा। आप यहां रहेंगे तो होगा। ए, बेटा तेरी जिंदगी खतरे में है। केशव को पता चल गया कि तू मेरा बेटा है। पता चल गया ना? पता चल गया ना? अब यहां एक मिनट भी मत रुकिए, जाइए, चले जाइए। देव बेटा मेरी बात तो सुन। चले जाइए। मैंने कहा चले जाइए। सुन मेरा बेटा, जाइए जाइए।
मैं उसे इस हालत में छोड़कर यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? हम कहीं नहीं जाएंगे, हम सब यहीं रहेंगे दामाद जी की सेफ्टी के लिए। फिर तुम्हारी सेफ्टी कौन करेगा? अरे तुम हो ना यार। मेरी सेफ्टी कौन करेगा? अरे मैं हूँ ना यार, पागल। आज उसे मरना ही चाहिए, मार डालो उसे। तुम्हारे पास हथियार है? हथियार है ना? मुझे क्या हथियार की जरूरत है, मैं खुद ही एक हथियार हूँ। अब तुम टेंशन लेकर मुझे मत टेंशन दो, समझ गई? अरे तुम दोनों पूरी बोतल क्यों पी रहे हो, भाई बताओ। बहुत दुखी है यार, डर ज्यादा हो गया। मैं भी तो पी रहा हूँ भाई। वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। अरे मैं तुम्हारा फैन हूँ। क्या ये कर क्या रहे? अरे मैं बुरा हूँ तो ये मुझसे भी डबल बुरा है। जस्ट मिस में पता चल गया बॉस, मुझे एक पैक है। अरे भाई गेस्ट के लिए पैक बनाओ। तुम इंसान ही हो ना? संदीप तुम भी एक इंसान हो ना? क्यों, अब क्या हुआ? क्या हुआ? उस दिन दीवार से कूदकर आए, हंगामा खड़ा किया और हो गया। सब मुझसे पूछ रहे हैं, क्या जवाब दूं मैं? करेक्ट है संध्या, जो हुआ नहीं उसके बारे में बताना बहुत मुश्किल होता है। देखो मैं तुम्हें एक आइडिया देने वाला हूँ जिससे सब आसान हो जाए। मेरे पास मत आना, बोल देती हूँ मैं, मेरे पास हथियार है, अभी निकलती हूँ। हथियार देखो तो। क्या कर रही अरे उसने ये क्या किया? उसने मेरे बेटे के छाती में चाकू घोंप दिया। कौन है ये? केशव की लड़की है। पर ये उसे कैसे जानती है? किसे आपका बेटा शादी करने वाला है? क्या कह रहे हो तुम? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। चुप रहो। अगर उसको पता चल गया कि मैंने तुम लोगों के यहाँ रखा तो मुझे मार डाले। कैसे मार डालेगा? मैं उस लड़की को मार डालूंगा। खामोश रहो, चुप रहो। कैसे चल रहा है? क्या है ये? तुम्हारे मारने के बाद ये बच गया। मतलब वो कह नहीं सकते वो बचेगा या नहीं, सब भगवान के भरोसे है। अंधी हो गई है क्या? सॉरी देखा नहीं मैंने। अरे तेरी सॉरी की ऐसी तैसी, तूने मेरी खबर तोड़ डाली। अंधी हो गई बता दूं तुझे, हां पहले एक टोका जा, समझती है खुद को? मेरे एरिया में आके दादागिरी कर रही हो, वरना तुम चलो उतारो हेलमेट उतारो। हाँ हाँ, लोपा निकाल, लोपा निकाल। अरे मारो इसे, मारो इसे, थप्पड़ एक पता चलेगा। अरे ये तो इसके पंगे हैं, पंगे तो पागल है क्या? कहा था ना तुमसे कुछ करना। अब आप कैसे हैं? अरे बाप रे, तुम यहाँ मेरे लिए आई हो ना, चलो घर चलते हैं। नहीं मैं नहीं आऊंगी। अरे जाना, बुला रहा हूँ तुझे। यही हमारा घर है। आठ दिन में लड़की घर आ रही है और तुम सीरियल देख रहे हो। देखो तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ये तो मैं बिल्कुल नहीं जानता, वैसे तुम जो चाहो बदल सकती हो। क्या ये सच में सब कुछ मेरे लिए कर रहा है? खुद ही कहता है कि छह झूठ और चार सच बोलता हूँ, क्या ये सब सच है? रवि सोप और सेंट लेकर आ गया मैं। वहाँ रख दीजिए। हर जगह सोप ज्यादा सेंट कम लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या सेंट ज्यादा सोप कम लिया? अब क्या है कि मेरी वाइफ क्या ज्यादा इस्तेमाल करेगी क्या कम इस्तेमाल करेगी ये तुझे नहीं पता, एक बार पता चल गया तो सब वैसे ही आएगा। वो किचन है तो खाना बनाना नहीं आता। हे वो बेडरूम है। टेंशन मत लो, जब तुम चाहोगी तभी मैं अंदर आऊंगा। एक बात बताओ, कुंडली के हिसाब से शादी के पहले हमारा हो जाना चाहिए था, अब क्या करें? अरे वो बाथरूम है। एक बात कहूं, तुम इतनी सरप्राइज्ड क्यों? मैं हमेशा 10 बातें करता हूं, उसमें 6 झूठ और 4 सच होते हैं, लेकिन तुम्हारे मामले में एक ही बात कहूंगा, तुम्हें पसंद करता हूं। मुझे और इस घर को तुम्हारा इंतजार है। चूसिंदी चालू चाले
हाल चाल ले। बोले 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 पुल्लटी गुंगूरा कट्टा कुलुक तो जंपिंदी चाल ले। क्या यार ऐसे क्यों देख रहे हो? ये गुड न्यूज आप ही दीजिए। मार्केट शिफ्ट करने की फाइल में साइन हो चुकी है। अरे क्या सोच रहे हैं आप लोग, मिनिस्टर की बातों पे भरोसा नहीं है क्या? ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन जनता का क्या करेंगे आप? मैं जाकर के जनता से बात करने की कोशिश करूंगा और केशव उसे पूरी कर देगा। सिंपल। सुनो, आपकी सरकार और फैसले की हमें जरूरत नहीं है, हमारी जनता और हमारी मार्केट के साथ अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपके फैसलों में कुछ अच्छी बातें भी है, देखा है, सोच भी रहा हूँ। लो अब आ गया वो, अब नया प्लान बना के आया वो। मुझे तो ससुर जी बहुत सारी बातें गलत दिखाई दे रही हैं। क्या है कि हमारा मार्केट है बहुत बड़ा, इसमें एक या दो लाख बोरियां भी आ जाती हैं। ये शहर के बहुत पास है और लोग आसानी से यहाँ आ जाते हैं, तो आप बेवजह अपनी मार्केट को शिफ्ट करने की क्यों सोच रहे हैं? क्या बात कर रहे हो तुम? अब कोई कुछ भी कहे, फाइल पर दस्तखत हो चुकी है, मार्केट शिफ्ट होकर रहेगा, अब इसे कोई भी नहीं रोक सकता। ओए, ये मेरे ससुर जी हैं। ससुर जी, आपके भरोसे इतने सारे लोग हैं, इनके लिए आप क्या करेंगे? लड़ूंगा। साहब जी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मार्केट के लिए जी जान लगाने वाले केशव जी की जय। मार्केट के लिए जी जान लगाने वाले केशव जी की जय। मार्केट के लिए जी जान लगाने वाले केशव जी की जय। सर, अगर आपको भूख हड़ताल पे कामयाबी ना मिली तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे।
हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी। उठिए ना, बेटी आपके लिए खाना लेकर आई है, उठिए ना। हाँ, ये लंच पापा के लिए नहीं है, उनके हाँ? लिए है। क्या ये मेरे लिए? कितना प्यार है। ये तो बहुत ही टेस्टी है। क्या बात है, एमएलए को फोन लगाओ, कहीं मैं मर ना जाऊं। ए मंगा, अरे कहाँ मर गया? एक मांग कर खा रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ भाई, मेरे गांव में मेरा बहुत नाम है, गांव जाते ही मनी ऑर्डर करा दूंगा। थैंक यू भाई। कहाँ के हैं आप? त्रिपुरा है। लगता है ये अपने गांव का बंदा है। चल उसको भी ले चल, हम उस तरफ ही जा रहे हैं। केशव जी की जय। जीत गए हो तुम, तुम्हारी मांग पूरी हो गई है, तुम्हारे अनशन के आगे सरकार हार गई है। इस मार्केट को शिफ्ट करने का फैसला सरकार ने वापस ले लिया है। पीलो, मुंबई की पार्टी और मिनिस्टर को जवाब दे देकर थक चुका हूं। तुम तो अच्छे बनने में लगे हो, लेकिन हुआ क्या, तुमने अपनी बेटी भी खोई और मार्केट भी खोया। अब सिर्फ यही बचा है, पी लो। अगर मैं जिंदा बच गया तो वो मरेगा। कुल 16 बोरियां है, ध्यान से गिनो और नोट करो। हेलो देव बाबू, कब से तुम मेरा नकाब उतारने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे बाप का नकाब उतार रहा हूं, आकर बचा लो। पता होता कि वो राजेंद्र का बेटा है तो मैं अपनी बेटी कभी नहीं देता। लड़की का बाप हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। अब क्या सोच रहे हैं साहब, शादी के लिए मना कर दीजिए। वो मार्केट में वापस नहीं आना चाहिए। रवि, रवि, आपको आराम करने की सख्त जरूरत है। पिताजी, पिताजी कहाँ है वो? तुम्हारे पिताजी, पिताजी पुलिस स्टेशन में सेफ है। पुलिस स्टेशन में कैसे सेफ रहेंगे? बैठो, नहीं चल पैदल बनो, बैठो बैठो बैठो। थोड़ा अब कौन आया? बराबर देख लेने, डाट का तबलों नहीं। ए ए ए, देखो देखो, बनाने डे बनाने डे। Hey! Oh. Hey.
నాన్ననే వర్ తీసుకెళ్లారో నాకు తెలీదు. ఖచ్చితంగా ఆన కొరకాయ ఉంటాడు. हेलो, इतने साल से जिस आदमी को मैं भगवान मानता था वो तो राक्षस की तरह निकला. कल तुम्हारे बेटे के साथ मेरी बेटी की शादी होगी. शादी करके क्या मिलेगा? मार्केट यार्ड तो अब शिफ्ट नहीं होगा. मार्केट यार्ड शिफ्ट होगा. 24 घंटों में शादी होगी और 4 घंटों में मार्केट खाली होगा. वहाँ जलने वाले बोरियों में उसके पिता वाली बोरी भी होगी. ऐसा क्या करोगे तुम वहाँ पे? वहाँ जलने वाले बोरियों में उसके पिता वाली बोरी भी होगी. ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? छोड़ो जल्दी जाओ और अपने पिताजी को बचाओ. रवि रवि अब शादी? ओम देवी वाजमदेवंत देवास्ताम विश्वरो बाप कचबाब धंधे. नाना नाना पिताजी, 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 चार बज गए, शादी रोकनी पड़ेगी. मार्केट में आग लग गई है. क्या आग लग गई? मार्केट में आग लग गई है. अरे जाओ जाओ उधर जाके देखो किधर आग लगी है. जल्दी जाओ उधर उधर देखो. देव बेटा, देखा मैंने क्या कहा था तुझसे? सब उसी का किया धरा है. तुमने देखा ना वो क्या कर सकता है? वो किसी भी हद तक जा सकता है. बेटे तुम छोड़ो ये सब कुछ, मेरी बात ध्यान से सुनो. बेटे चलो हम गांव लौट चलते. बेटा मेरी बात सुन. देव बेटा रुक जा. ये सब क्या हो रहा है? अरे ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो जान चली जा रही है. अरे बुझाओ, अरे कोई आग बुझाओ. ए, अरे इधर आओ, ये सब रवि ही कर रहा है. देखो उसके पिता की असलियत बता दी, इसीलिए वो गुस्से में ये सब कर रहा है. जाओ जाकर रोको उसे. क्या नौटंकी कर रहे हो यार तुम भी? देखो इसके बाद मार्केट शिफ्ट हो जाएगा, करोड़ों करोड़ों रुपए हमारे हो जाएंगे. बहुत अच्छा कर रहे हो तुम. अपना मुंह बंद कर. अरे अरे कोई फायर ब्रिगेड को फोन करो. ए उधर जाओ, उधर जाओ. इधर आओ, इधर आओ. रवि इधर है, जल्दी इधर आओ. पकड़ो इसे. कहाँ है? इसे किसे? रवि इधर ही है, इधर ही है, इधर ही जाके ढूंढो उसे. ढूंढो ढूंढो जल्दी. ए रवि इधर ही है. कौन? कहाँ? अभी तो इधर ही था. यहाँ तो कोई नहीं. ढूंढो 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 जल्दी आओ. We'll be right back.
आज तेरी असलियत सारे मार्केट को पता चल जाएगी, समझा? क्या चाहिए तुझे? पूरी यार्ड दे दूंगा, अपनी बेटी से शादी करवा दूंगा, मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, बाहर जाके बोल के मेरे पिताजी निर्दोष है, छोड़ दूंगा। बस वो एक मत मांग बेटा, कोई दूसरा रास्ता बता। तेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, बताना ही होगा। मार्केट के सब लोग सुन लो, मार देगा। सच बोल, मुझे मार दे, मुझे मार दे। अगर मैं मरूंगा तो अच्छा बनकर मरूंगा, लेकिन तेरा बाप बुरा बनकर मरेगा। मार दे, मुझे मार दे। पगला कहीं का, पगला कहीं का। क्यों रे, किसी का इतने साल से इंतजार कर रहा था, हाँ? पागल लड़का। और मैं 20 साल से अपने आप को बचाने के लिए कितनी मेहनत की जानते हो? मैं कौन हूँ मेरी बीवी भी नहीं जानती है, मेरी बेटी भी नहीं जानती है, और एक बार बताऊँ तेरा बाप भी नहीं जानता है। उससे उसकी अच्छाई छीनने के लिए 32 लोगों को मारकर वो सारे गुनाह तेरे बाप पर लगाए, और 33वां अपने चाचा को मैं नहीं मारा। अरे हिसाब गलत है, 34वां अपने भाई को भी मैं नहीं मारा। तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए, जानते हो क्यों? मैं अपने भाई की तरह बुरी जिंदगी नहीं बिताना चाहता था, तुम्हारे बाप की तरह सारी अच्छाई पाना चाहता था। तू एक बात जानता है, हैं? तेरे बाप जैसे अच्छे आदमी को बुरा बनाना बहुत आसान है, लेकिन मुझ जैसे अच्छे आदमी का नाटक करने वाले को बुरा साबित करना बहुत मुश्किल है। मुझे नंगा तो दिखा दिया, लेकिन मैं क्या हूं दिखा पाया? गुस्सा आया, हाँ? मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, मैं तैयार हूं। लेकिन तेरा बाप अच्छा आदमी है, ये बात इस जन्म में तो मेरे मुंह से नहीं निकलेगी। जानता है क्यों? कल इस यार्ड में अगर किसी की मूर्ति बनेगी तो वो इस केशव की ही बनेगी। वो क्या है, तुम्हारी 10 बातों में 6 झूठ और 4 सच है, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। 10 झूठ में से 10 ही झूठ होते हैं। जाओ अपने पिता की तरह नकाब पहनकर जी लो। ए, आग बुझाओ, ए, पानी लेकर आओ, ए, तुम उस तरफ जाओ और तुम उस तरफ जाओ, ए, आओ 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 इधर, जल्दी आओ। तूने जो भी कहा सब लोगों ने सुन लिया है, अब तेरा नकाब चल चुका है, तेरा नाटक खत्म हो चुका है, अब और नाटक मत कर। तेरा फैसला जनता करे। पिताजी, अब आप राजेंद्र सिंह नहीं हैं, इस मार्केट के महाराजा हैं। तुमने नाटक करके हमारी जिंदगी के साथ खेला है, हम तुम्हें मारना लेके छोड़ेंगे नहीं। मारो इसको, मारो, मारो।
ऐसा क्यों किया? अगर तेरी जान चली जाती तो आपकी भी जान आपके लिए चली जाती, यही होता ना। रैतु सोदर लको विज्ञप्ति यार तो Why it is loving here a lot? But it's not. Vidu call enter. Yele chairman ya. Akada durba pillod antnadu. Yeah. Ore kanna. Nu amman preminchavu kadra? Preminchana. Dani time ekkada dorikindi? Ni kosam poradanone na sagam jeevitha ayyindi kada anna. Oh kiss unda? Oh hug unda? Kani sadhana unda? Lede. Mar pelle eppudu chesukuntam? Maadargam ko 3 naal time kavali. Ah? Anta varaku em chestarappa? ముందు ముందు ఇంకా చాలా ట్రీట్లు ఉంటాయి. పౌరం కుమేశ్ ఓకే యో మ్యాన్ వావ్ ఎక్సలెంట్ స్వీట్ వేర్ యు గాట్ దిస్ దే యు క్వాంటి ది స్వీట్ స్వీట్ ఇస్ వెరీ పార్టీ వైట్ ఇస్ గివింగ్ మీ పార్టీ ఎవరు నువ్వు హో యో మ్యాన్ యు ఆర్ ఇన్ గల్ఫ్ వాట్స్ హాపెన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు వి ఆర్ హావింగ్ పార్టీ మా వాళ్ళ పెళ్ళో నీ పార్టీ ఏంట్రా పెళ్ళ యు మీన్ మ్యారేజ్ ఎవరు తీసుకొచ్చాడ నిన్ను దట్ గాడ్ సత్తి పావురం వైటు వైటు బిర్యానీ అదుర్స్ ఫోర్త్ ప్లేట్ వాలే ఉంది ఎంత ధైర్యంరా మీకు ఇక్కడికి వచ్చి పార్టీ చేసుకుంటారా ఏంటయ్యా పార్టీ చేసుకుంటే తప్పేంటే వచ్చిన ఎవరో తెలుసా మిర్చియా చైర్మన్ గారు అబ్బాయి పార్టీ అయిపోయిన తర్వాత బిల్ ఎంతో చెప్పు టిప్పుతో కలిపి విసిరేస్తాడు సాలీ యు థింక్ స్లీపింగ్ నో ఐ మీటింగ్ ప్రాపర్లీ దిస్ ఇస్ నాట్ ద థింగ్ దిస్ ఇస్ లైక్ సీన్ నెంబర్ 32 ఇన్ కాసాబ్లాంకా అంటే వాళ్ళ పెళ్లిలో మనం పార్టీ చేసుకో. ఏయ్ నేను మాట్లాడుతుంటే మీలో మీరు మాట్లాడుకుంటారేంటి? ఎవరు తీసుకొచ్చారు మిమ్మల్ని? తనే. ఏయ్ నా నీలా ఇరికి చేసావ్ ఏంట్రా? మరి దాచుకున్న మన లవ్ గుర్తులని చింపేశావ్ కదా అందుకే ఈ పార్టీ. బుద్ధునోడు ఎవడైనా అసలు దీనికి పార్టీ అంటారా? నిన్ను ఇప్పుడు అలాగే ఉంటదే ఓ 10 ఏళ్ల తర్వాత ఏని గుర్తుతెచ్చుకుంటే అప్పుడు బాగుంటది. సచ్చినోడా ఇదే లవ్ రా? మాస్ లవ్ మర్చిపోలేవు. ప్రేమించడమని ఇలా ఏడిపిస్తావ్ రా? చంపేస్తా నిన్ను. ఏయ్ నా నా పిచ్చినా బ్యాడ్ బ్యాడ్ ఒకసారి నా హేలేని అబ్బా తోలి తీస్తా కనపడ్డా ఉంటే ఒరే అలా బై నమస్తే ఎలా అన్నయ్య చెప్పేది విను సినిమా ఎలా ఉందని మాత్రం అడక్కన్నయ్య ఈ తిక్క వారి పల్లె నుంచి నన్ను ఎలాగైనా బయటపడే అన్నయ్య ఎరా సినిమా ఎలా ఉంది బాగుందా టికెట్ దొరికిందా అన్నయ్య నాకు పిచ్చెక్కుతోంది అన్నయ్య నాకెప్పుడో వచ్చేసింది ఏంటి తప్పించుకుందామని చూస్తున్నావా ఒక్కసారి చుట్టూ తిరిగి చూడు ఇప్పుడు నీకు రెండే దారులు ఉన్నాయి ఒకటి మార్కెట్ జనాల చేతిలో చావడం రెండు నువ్వే సూసైడ్ చేసుకుని చచ్చిపోవడం తలుచుకుంటేనే పిచ్చి ఎక్కుతుంది కదా నమస్తే ఎలా ఉన్నారు వీని చూస్తే జాలేస్తుందిరా ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించొచ్చుగా దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఏముంటుంది అన్న మైసమ్మ గుడికి తీసుకెళ్లి పౌర్ణమి పౌర్ణమికి బడిత పూజ చేస్తే సెట్ అయిపోతుంది ఏమంటమ్మా